सो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोड़ के अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे मूव करने वाले हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि चार्जेस यहाँ पे फ्लो कर रहे होंगे, मतलब चार्जेस का मूवमेंट हो रहा होगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है वो सब यहाँ पे यूज नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, बट यहाँ पे तो सिंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कौन कराएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो मूव कराएगा ना, है ना? कंडक्टर के अंदर किस कंडक्टर के अंदर हम किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक भगा के लेके जाता है। तो यहाँ पे हम कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है? चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो चार्जेस का फ्लो से रिलेट कर रहे हैं और चार्जेस को कंडक्टर के अंदर जो मूव कराएगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही मूव कराएगी, ठीक है? सबसे पहली चीज जो हम बात करते हैं वो करंट की बात कर लेते हैं। करंट को आप डिफाइन कैसे करते हो? करंट को आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी हमने रेट किसी भी चीज का डिफाइन किया है, किसी भी यू नो चीज का रेट डिफाइन किया है, तो वो रेट हमेशा हमने क्या किया है, दो तरह से डिफाइन किया है। एक है इंस्टेंटेनियस रेट और एक है एवरेज रेट, याद है आपको? Yes. है ना? Yes. तो सेम तरीके से जब हम करंट को डिफाइन करेंगे तो हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहे हैं या एवरेज करंट पूछ रहे हैं, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग होंगे या हो सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें तो ऑब्वियसली किसी एक कंडक्टर में बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं और उस क्रॉस सेक्शन से कितनी चार्जेस आपकी फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, ये कैलकुलेट करते हैं एंड उसके बाद फिर यही वैल्यू को हम करंट बोल देते हैं। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब आप कह रहे हो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन से निकाल लीजिए, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, इज द करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम चार्जेस को फ्लो करता हुआ दिखा रहे हैं तो क्या हमने कंडक्टर को चार्ज कर दिया है क्या? इज द कंडक्टर चार्ज्ड? क्या हम ये बोलेंगे कि कंडक्टर हमारा चार्ज्ड हो चुका है? नहीं, देखो कंडक्टर बेसिकली एटम से बना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कुछ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इनर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट आप मोबाइल बना दिए हो बट आपने चार्जेस एडिशनली कुछ डाला नहीं है, एडिशनली कोई चार्ज नहीं डाली गई है। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो कंडक्टर अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना? Yes, है ना? Yes, तो कंडक्टर ऐसा नहीं है कि आपने चार्ज कर दिया है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनको कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं हम, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंडक्टर्स में बेसिकली चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक भगा के लेके जा रहा है। तो ये चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? कि यू नो कि आप इलेक्ट्रॉन्स को आप एक एंड से दूसरे एंड तक भगा के लेके जा रहे हो। अब जैसे अगर मैं ये बोलूं कि जब हमने रेट डिफाइन किया है तो रेट की बात करें तो एक हम एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक लिया हमने एवरेज एंड एक लिया इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट कैसे डिफाइन करोगे? जैसे आप क्या करो कि एक क्रॉस सेक्शन चूज करो और उस क्रॉस सेक्शन से देखो कि कितना टोटल चार्ज फ्लो किया एक सर्टेन गिवन टाइम इंटरवल में। टोटल चार्ज फ्लो जब हम बात कर रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन में बात करेंगे। जैसे मान लो कि लेफ्ट से राइट आपका एक क्रॉस सेक्शन से 10 माइक्रोकूलम फ्लो कर गया एंड राइट से लेफ्ट भी फ्लो कर गया 5 माइक्रोकूलम का। तो लेफ्ट से राइट अगर 10 माइक्रोकूलम फ्लो किया एंड राइट से लेफ्ट अगर 5 माइक्रोकूलम फ्लो किया तो नेट जो फ्लो किया वो राइट की तरफ ही फ्लो किया 10-5। तो वो 10-5 ही बोलेंगे वहां पे, हम ये नहीं बोलेंगे उस केस में कि 10+5 फ्लो कर गया है, क्योंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि नेट किस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो आपको डिफरेंस करके लेने का है चार्ज फ्लो का, ठीक है? सो एवरेज करंट अगर आप डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे दिस करंट का एवरेज वैल्यू विल बी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
डेल्टा क्यू हम ये मीन कर रहे हैं, डेल्टा क्यू चेंज ऑफ चार्ज नहीं है, डेल्टा क्यू इज जस्ट यूज्ड टू इंडिकेट कि व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोन इन वन डायरेक्शन. मतलब अगर लेफ्ट की तरफ फ्लो कर गया एक सर्टेन Q1 एंड राइट की तरफ फ्लो कर गया सर्टेन Q2, तो देखो Q1 Q2 में से कौन बड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस लेके फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो ये मेंशन कर दे रहा हूं वेयर डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन any one direction, किसी एक direction में. ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी एक direction में ही आपको लेना है in the given time interval, in the given time interval. अब यही अगर instantaneous calculate करनी है, instantaneous calculate करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये time interval बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तो limit of delta t tending to zero and इसको फिर delta q by delta t की तरह लिख लेते हैं. इसी को नेक्स्ट स्टेप में आप श्योर होकर लिख सकते हैं कि ये dq by dt होगा. मतलब अगर आपका dt का टाइम इंटरवल है और उस dt टाइम इंटरवल में अगर चार्ज फ्लोन है dq, तो उससे आप करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं dq by dt हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका निकालने का तरीका होगा. अब इसी से अगर अगर मान लो कि इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है आपको और एवरेज करंट आपको निकालने की है, इंस्टेंटेनियस करंट दिया है एंड एवरेज करंट फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको मान लो कि वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट यू नो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं. yes, पता कर सकते हैं राइट? यस सर. वीडीटी करो डीएस मिल जाएगा एंड देन इंटीग्रेट कर दो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करेंगे. तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है. इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि dq की वैल्यू विल बी idt, मतलब dt टाइम इंटरवल में जितनी चार्ज फ्लो की है वो हम idt करके निकाल सकते हैं. सो अगर मुझे एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कितनी चार्ज फ्लो कर ये डेल्टा q निकालनी है, तो इसको हम सिंपली हम इंटीग्रेशन ऑफ idt लिख सकते हैं. और ये idt का इंटीग्रेशन हम t1 से t2 ले लेंगे जहां के बीच में हमें चार्ज फ्लो निकालनी है. अगर आप RHS में देखोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ idt आ रही है, और इंटीग्रेशन ऑफ idt क्या है, एरिया अंडर करंट टाइम का. Yes. राइट, इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता है. सो दिस इज एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया लेना है. एंड देयरफॉर अगर आपको टोटल एवरेज करंट पूछा गया था तो आप क्या कर सकते थे, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ निकाल के टाइम इंटरवल से डिवाइड कर सकते थे, है ही नहीं है? यस सर. ठीक है, जैसे अगर मान लो कि अगर ऐसा सिचुएशन दे रखा है आपको, यह है करंट एंड इधर मान लो कि टाइम एक्सिस है, एंड मान लो आपको कुछ एक वेरिएशन ऐसा दे रखा है किसी ने, लेट अस से दिस इज टाइम टी इक्वल टू t1 एंड दिस इज टाइम टी इक्वल टू t2, इसके बीच के जो एरिया इन्फ्लुएंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो ये वाली एरियाज को मार्क कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3. अगर आप A2 वाले एरिया में देखोगे तो करंट नेगेटिव है, दिख रही है आपको? यस सर. करंट नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर लेफ्ट से राइट वाले को अगर करंट को पॉजिटिव बोला था तो राइट से लेफ्ट अगर चार्जेस फ्लो करेगा तो उसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा ना. yes, है ना? तो बेसिकली वो जो नेगेटिव करंट है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस उल्टा हो गया है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस अगर उल्टे हो गए तो अकॉर्डिंगली आपको वो नेगेटिव के साथ कंसिडर करना पड़ेगा. तो अब अगर आपको डेल्टा क्यू फाइंड आउट करनी है इस ग्राफ से तो क्या करेंगे आप, A1 प्लस A2 करेंगे या माइनस A2 करेंगे? माइनस A2. माइनस A2. बिल्कुल वैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त करते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऐसे ही करते थे ना. यस सर. राइट. एंड अब आपको अगर पूछे कि एवरेज करंट कितनी, व्हाट इज द एवरेज करंट, तो क्या हम नहीं बता सकते, A1 माइनस A2 प्लस A3 एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, T2 माइनस T1. गॉट इट? समझ आई है? यस सर. ठीक है, एक और चीज जो मैंने आपको बोली वो भी लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस आपका मटेरियल जो है वो ऐसा नहीं है कि मटेरियल चार्ज हो गया है, मटेरियल आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, मटेरियल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी चेंज नहीं हुई है ड्यू टू
an electric field setup. Electric field set up within the conductor. The free electrons get drifted along the length of the conductor, along the length of the conductor. Due to electric field set up within the conductor, the free electrons get drifted along the length of the conductor. But overall, the conductor remains neutral. Remains neutral. ये हर जगह पे neutral रहेगा, ठीक है? चीज़ का ध्यान रखिएगा. जैसे अगर मान लो कि ऐसा किसी ने एक conductor दिखा रखा है, let us say ये conductor है, ठीक है? और इसका एक cross section मैंने यहाँ पे mark किया, let us say this is first cross section A1, and यहाँ पे cross section mark किया, ये A2 लिखा है. And मान लो कि मैं current कह रहा हूँ कि left से right की तरफ flow कर रही है, ठीक है? ये left से right की तरफ का flow दिखा देते हैं, ये current है, ठीक है? अब मान लो कि अगर फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में मैं बोलूं कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का करंट कितना है एंड सेकंड क्रॉस सेक्शन का करंट कितना है, उनको कंपेयर करने के लिए बोलूं, तो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में जो आप करंट दिखाओगे, यहां पे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में जो करंट दिखाओगे इसको अगर मैं I1 कह रहा हूं, और सेकंड क्रॉस सेक्शन में जो करंट दिखाओगे इसको अगर मैं I2 कह रहा हूं, तो I1 I2 अगर डिफरेंट हुए, मान लो कि यू नो I2 को आपने कम लिया और I1 को ज्यादा लिया, इसका मतलब कि जितना चार्जेस लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करके A1 के अंदर आया, मतलब A1 के राइट की तरफ आया, उससे कम बाहर निकला है, नहीं है? Yes, sir. और अगर कम बाहर निकला है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुआ. Yes, sir. और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर डिपॉजिट हुआ तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वायलेट हो गई ना. तो इसका मतलब क्या है कि हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू, चाहे वायर मोटा हो या पतला हो ये मैटर नहीं करता, हर एक वायर के थ्रू जो आपको नेट करंट मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना. समझ आ रही है? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ थिकनेस ऑफ वायर, इररिस्पेक्टिव of thickness of wire, current through every cross section will be equal to maintain electrical neutrality. ठीक है, एक और कंसेप्चुअल सी चीज पूछते हैं आपसे कई कई जगहों पे. जैसे मान लो कि अगर मान लेते हैं कि एक वायर है जिसको मैंने ऐसे बेंड करके रखा हुआ, ठीक है, ऐसा एक वायर को बेंड किया हुआ, ठीक है. अब इसमें मान लो कि मुझे करंट को फ्लो करानी की है, इस वायर में करंट फ्लो करानी है, लेट अस से कि करंट आपका इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है. करंट अगर मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ दिखा रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, है ना? राइट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को मानते हैं, पॉजिटिव चार्जेस तो एक्चुअली फ्लो नहीं करते, नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो करते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन आपको उल्टा लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का. तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन सोचो, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, फिर इधर से इधर चला गया होगा, ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. होगा. तो तुम सोचो इसके मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ है ना? हुआ नहीं हुआ? इसकी मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ है, पक्का है. तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, चाहे वो वेक्टर में तुम सोच के देखो, अगर वेक्टोरियली अगर हम बात करें तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो वेक्टर मोमेंटम का, तो दोनों ही केस में तो आपको फोर्स चाहिए ना, है ना? तो इसको बेंड में, इसको मूवमेंट के लिए, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था फिर इसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कराया, किसने कराया हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और कोई डिफ्लेक्ट करा नहीं सकता इसको. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके एंड में होगा तो वो कैसा होगा, एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे दिखाएंगे, मतलब कैसे चार्जेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस ही डेवलप करेगा यहाँ पे एंड्स के क्रॉस, मतलब जो जहां पे बेंड है वहां पे की बात कर रहे हैं. तो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ कि इस केस में एजेस पे, जो जहां पे एजेस नहीं मतलब जहां पे बेंड है, वहां पे बेंड में चार्जेस एक्यूमुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा, यानी बेंड्स पे हमेशा चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कैसा दिखेगा उसकी बात पूछते हैं वो तुमसे. तो आप कैसे फाइंड आउट करें, एट बेंड्स
at bends of wire, direction of momentum of free electrons changes, which requires force. It requires force. And this force is provided by charges accumulated at bends on surface. अब कैसे equation होता है उसकी बात करते हैं. अब इसमें सिंपल सा एक लॉजिक यूज करो, बस चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन देखो. जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होना चाहिए. Yes, yes, sir. तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को रिवर्ट एंड ऐड करके. फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? है ना? राइट. फाइनल किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है ना? यस सर. दिस इज फाइनल. इनिशियल ऊपर की तरफ है तो उसको रिवर्ट करोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा. यस सर. राइट. यस सर. ठीक है ना? मैग्नीट्यूड में तो पीआई रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, दिख रही है आपको? यस सर. इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आपको फोर्स भी चाहिए, राइट? हाँ. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. यस सर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो उस तरफ चाहिए तो इजंट इट ऑब्वियस कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेटेड होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेटेड होगा, ताकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो उस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाए. देखो yes, समझ आ रही है आपको? yes, sir. समझ आ रही है आपको? yes, sir. So, bends पे आपके charges accumulate करते हैं. bends पे जहां जहां bend मिलेगा वहां वहां charges accumulate होगा. और वो क्यों होगा? क्योंकि उस वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम को उनको चेंज करना है, तो इसीलिए वहां पे चार्जेस आपको accumulate होते हुए देखेंगे. जहां पे स्ट्रेट पोर्शन है वहां पे ऐसा कोई पंगा नहीं है. स्ट्रेट पोर्शन में कहीं पे भी आपके चार्जेस accumulate नहीं होते. आपको समझ आ रही है? यस सर. यस सर. ठीक है. यस. ओके. ओके. दो वेलोसिटीज की हम जनरली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, मतलब इस यहाँ पे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में. एक है थर्मल वेलोसिटी और एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उनका डिस्कशन एक बार करते हैं. थर्मल वेलोसिटी, इसको वीटी लिख रहे हैं, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको वीडी लिख रहे हैं. पहले थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं कि थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है. जैसे देखो कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ले रखा है, लेट अस से कि ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? ये कंडक्टिंग वायर हमने दिखा रखा है. इस कंडक्टिंग वायर के एंड्स के क्रॉस में मान लो हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वायर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा, है ना? होगा क्या? नो पोटेंशियल डिफरेंस. नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स है, ठीक है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुई है. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या वो लोग किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे? नहीं मूव करेंगे. बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी तो होगी. थर्मल एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप एक एक कंटेनर के अंदर गैस को बंद करते हैं, सोचो तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक रैंडम मोशन में होते नहीं होते? Yes, sir.
और ये जो रैंडम मोशन है इनका, इनकी इसकी वजह से एक वेलोसिटी आती है. ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर को घटाएं तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी. तो इस केस में सिमिलर टू यू नो गैस मॉडल, यहाँ पे देखा गया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी मूवमेंट बहुत सिमिलर टू गैस मॉलिक्यूल्स होती है. मतलब कंटेनर में जैसे गैस मॉलिक्यूल्स को आप मूव करा रहे थे रैंडमली, वैसे ही ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट होता है वायर के अंदर. तो उसमें जैसे गैस मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो कि किसी एक डायरेक्शन में उसका प्रेफरेबल डायरेक्शन नहीं है, प्रेफरेबल डायरेक्शन होने का नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे आप बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ यू नो जो गैस है किसी एक कंटेनर के एक एंड पे और दूसरे एंड पे, वो हर जगह सेम बोलते हैं. तो किस बेसिस पे कहते हैं, हम बोलते हैं कि एक साइड से दूसरे साइड जितना मॉलिक्यूल्स गया दूसरे साइड से पहले साइड में भी उतना ही मॉलिक्यूल्स वापस आ जाता है, कहते हैं या नहीं कहते ऐसा, कहते हैं है ना. सो किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से आपको नेट कोई फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नहीं दिखता. तो सेम तरीके से वायर में भी अगर आप एक ऐसा एक बाउंड्री क्रिएट कर दो, मतलब जैसे एक रैंडम सा एक बाउंड्री क्रिएट कर दो, जैसे यहाँ पे मान लो एक लाइन क्रिएट कर दिया मैंने, तो अब ये लाइन से मैं कह रहा हूँ ये लाइन से लेफ्ट से राइट की तरफ जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे राइट से लेफ्ट की तरफ भी एग्जैक्टली उतने ही आ गए होंगे. तो उस केस में अगर करंट पूछे तो क्या बोलेंगे आप, जीरो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट से राइट फ्लो कर गया अगर उतना ही राइट से लेफ्ट भी फ्लो कर गया तो जीरो हुआ ना करंट आपका, समझ आ रही है. तो इस वजह से कोई करंट नहीं मिलती है. बट ऐसा नहीं है कि चार्जेस रेस्ट पे है, क्या चार्जेस रेस्ट पे है, चार्जेस के रेस्ट पे है नहीं. चार्जेस अपने नॉन जीरो टेम्परेचर पे होने की वजह से उनके पास एक थर्मल एनर्जी है, और वो थर्मल एनर्जी मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जैसे आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो यू नो इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल है, इलेक्ट्रॉन को आप कैसे कंसिडर करोगे, एक सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल की एक सिंगल मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, एटम की तरह है ना. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं. तो मोनोटॉमिक है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो थ्री टाइम्स ऑफ हाफ के टी, ये उसकी एनर्जी हो गई. समझ आ रही है. और अगर वो उसकी एनर्जी है तो उसको हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दो, यहाँ से जो वी मिल रही है यही उसका थर्मल वेलोसिटी कहलाएगा. समझ आई आपको. यस सर. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हैजंट बीन सेट अप. Electric field not set up, hasn't been set up, hasn't been set up in wire. और इससे क्या conclusion निकल रहा है, इससे conclusion ये निकल रहा है कि free electrons do not experience any net force in a preferred direction. Preferred direction. Therefore, जो एवरेज करंट आएगी, जो करंट आएगी वो आपके जीरो मिलेगी. But free electrons are in random motion due to their thermal energy. Free electrons are in random motion due to their thermal energy, due to their non-zero temperature. मतलब केल्विन स्केल में बात कर रहे हैं, ठीक है, non-zero temperature in केल्विन स्केल. And the velocity here, and this energy, this energy can be found out using law of equipartition of energy. So therefore, अगर हम बात करें कि half m into thermal velocity का square, that will approximately be 3/2 times of kT आ जाएगा.
एंड यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली आपको, दिस विल बी रूट अंडर 3 kT डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, बट ये जो थर्मल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी कॉपर के लिए अगर बोले, ये जैसे एनसीआरटी का टेक्स्ट डेटा आपको बता रहा हूं मैं आपको, तो ये यू नो कॉपर के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड आती है, दिस इज फॉर कॉपर, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी काफी बड़ा, थर्मल वेलोसिटी काफी बड़ा ही वैल्यू है, काफी बड़ा वैल्यू है। क्यों बड़ा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड में अगर सोचो एक सेकंड में वो 100 मीटर मूव कर जा रहा है, 100 मीटर एक सेकंड में मूव कर जा रहा है, ये काफी बड़ी वेलोसिटी है। तो वायर के अंदर जो यू नो थर्मल वेलोसिटी है वो काफी बड़ी है, बट ये थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं आ सकता, बट दिस थर्मल वेलोसिटी कैन नॉट कंस्टिट्यूट करंट। क्यों नहीं कर सकता, थर्मल वेलोसिटी कैन नॉट प्रोड्यूस करंट, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या कोई नेट फ्लो हो रही है, सिंस देयर इज नो नेट फ्लो ड्यू टू इट, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इट। जब फ्लो ही नहीं हो रहा तो कैसे डिफाइन करोगे। हाँ बट रैंडम मोशन तो है, रैंडम मोशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कि इस वायर के अंदर का ही ये जो वायर है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन का हम एक यू नो एक छोटा सा सेक्शन का अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे सोचो कि अगर ये वायर हम दिखा रहे हैं, इसको सोचो कि थोड़ा मोटा ड्रॉ कर देते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको पतला ही रहने देते हैं, इसमें हम एग्जैजरेट करके इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन करके देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, इसके अंदर का अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन दिखाओगे तो आप कैसे दिखाओगे, एक रैंडम सा मोशन दिखाओगे, जैसे इधर गया फिर टकराया अपने नेबरिंग यू नो इलेक्ट्रॉन से या लैटिस से, फिर यहाँ पे टकरा के फिर वापस आया, फिर इधर गया फिर टकराया, फिर इधर गया फिर टकराया, फिर इधर गया फिर टकराया, तो ये इसका रैंडम सा मोशन चलता ही रहेगा। अगर आप नेट किसी एक टाइम इंटरवल में, एक सफिशियंट टाइम इंटरवल में अगर आप नेट ड्रिफ्ट देखोगे तो आपको कोई नेट ड्रिफ्ट नहीं मिलेगा, ड्रिफ्ट मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में अगर बोले मूव कर गया तो ऐसा नहीं होगा, ये अपने मीन पोजीशन के आसपास ही भटकता रहेगा। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक भीड़ है, इमेजिन करो, जैसे आप इमेजिन करो ये बहुत ही बड़ी भीड़ है, बहुत ही बड़ी भीड़ है, जैसे यू नो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज का भी जैसे रैली चल रहा है, तो उस भीड़ में इमेजिन करो कि अंदर में मतलब बीच में कोई एक इंसान को देखो, तो ऐसा तो नहीं इंसान स्टैटिक होगा, वो मूव कर रहा होगा, बट जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो अपने पास से टकरा जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर पीछे वाले से टकराएगा, फिर थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर साइड वाले से टकराएगा, फिर इधर टकरा जाएगा, तो ये रैंडम सा मोशन तो चलता रहेगा ना। ये भीड़ में बेसिकली क्या है, आपस में कोलिजन हो रही है बट कोई नेट ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। समझ आ रही है आपको? यस ठीक है। तो इसकी वजह से कोई नेट ड्रिफ्ट नहीं हो रही है, जिसका ध्यान रखिएगा, इसी वजह से कोई करंट नहीं मिल रही है। बट अब हम क्या करते हैं, लेट अस से कि अब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वायर को लेते हैं और इमेजिन करो कि एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी के टर्मिनल्स को देख के आपको पता चल रहा है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, राइट, मतलब हायर पोटेंशियल वायर के लिए अगर हम बात करें तो हायर पोटेंशियल लेफ्ट के एंड पे है और राइट के एंड पे आपका लोअर पोटेंशियल है, है नहीं है, राइट। तो इससे इससे वायर के लिए अगर आप देखोगे, वायर के लिए अगर देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचो कि अगर मैं एक छोटा सेक्शन अगर सोचो, ये एक छोटा सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन,
इस सेक्शन को देख रहे हैं, ये हमारा वो सेक्शन है। इस बार तो करंट आएगी, पक्का है, आएगी ना? यस सर। ये वाले एंड पे देखो आपका हायर पोटेंशियल है और ये वाले एंड पे लोअर पोटेंशियल है, दिख रही है आपको? दिख रही है? है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिक तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बैटरी की वजह से आ रही है, ठीक है? बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है। सो ये जो मैंने लाइंस की तरह ड्रॉ कर रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही शो कर रखा है, ठीक है? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे सोचो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी नहीं लगेगी? Yes, sir. Right? Charge, electronic charge into field लगा लिया, force लग रहा है। तो इसकी वजह से अब ये left की तरफ भागेगा नहीं, सोच के देखो। तुम हर एक इलेक्ट्रॉन पे देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन पे force जो है left की तरफ आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ये बिल्कुल वैसा ही हो गया सिचुएशन, अभी भी क्या है वैसे ही है, भीड़ है बट उस भीड़ को अब कोई भगा रहा है ये नहीं है? पहले भी भीड़ थी अभी भी भीड़ है, बट पहले भीड़ क्या थी? स्टैटिक थी, अभी भीड़ क्या भाग रही है, राइट? मतलब जैसे पुलिस आ गई और पुलिस ने उसको क्या किया, पूरा लाठी दिखाना शुरू किया, तो पुलिस अगर लाठी दिखाएगी तो पूरी भीड़ भागेगी नहीं भागेगी? तो बिल्कुल ये लाठी दिखाने की तरह है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाठी दिखा रही है, तो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हुए। और देखोगे तो अब इलेक्ट्रॉन अगर भाग रहे हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो फ्लो ऑफ चार्जेस मिल रहा है ना आपको, ठीक है? बट क्या अभी थर्मल मोशन नहीं हो रहा है? जैसे अब अगर इसमें अगर एटॉमिक लेवल पे अगर जाके देखें, अगर थोड़ा जूम इन करके अगर इसी को देखें, इसी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को एनालाइज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सेक्शन कंसीडर करें और इस छोटे सेक्शन के अंदर के यू नो सिचुएशन को एनालाइज करें, अब थोड़ा सा और जूम इन कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर सोचोगे तो कैसा होगा? तो ऐसा तो नहीं है इसके पास थर्मल वेलोसिटी नहीं है, कैसे पास थर्मल वेलोसिटी नहीं है? ऐसा है ना, तो थर्मल वेलोसिटी है तो रैंडम मोशन तो होगा ही होगा। तो पहले जो मोशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था? पहले जो मोशन हो रहा था वो कुछ ऐसा हो रहा था कि इधर से इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर से टकराया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर टकराया, ये तो हो ही रहा था। बट अब इसके साथ साथ एक और चीज होगा, क्या होगा पता है? वो अब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी। तो इस केस में अब जो इसका मोशन दिखेगा आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखो इसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट करा रहा हूं, देखो आप देखो इसको, आपको समझ आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? दिख रही है आपको, है ना? समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो इससे बेसिकली आपका जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा हो जाएगा बताएं? ये बिल्कुल ऐसा चलेगा भैया, पहले वो किसी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं कर रहा था बट अब वो एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी करता चले जाएगा। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया है, मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर ही एकदम बिल्कुल फ्लो कर गया है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। बट हाँ, थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडम मोशन था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई उसकी वजह से अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो ड्रिफ्ट कर रहा है, और अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं उसकी वजह से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो अक्वायर कर रहा है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा के दो से देखो, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन तो लगातार चेंज हो रहा है, जैसे एक बार गया जाना स्टार्ट किया उसने, उसके बाद फिर वो लैटिस में फिर से किसी से टकरा जाता है तो उसकी जो एनर्जी जो वो गेन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फिर लॉस हो जाता है, तो फिर से वापस से स्टार्ट करता है प्रीवियस वेलोसिटी से, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराता है, फिर से वो रेस्ट पे जाता है, तो इस मतलब वो एनर्जी लूज कर जाता है कोलिजन में। तो ऐसा नहीं है कि वो यू नो लगातार एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट करता है, बट फिर वो लैटिस में जाके टकरा के फिर वो एनर्जी को लूज कर जाता है. तो इसीलिए हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है. अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो एक ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली उसका एवरेज वैल्यू होगा. मतलब एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन. सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर. ठीक है. सो यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दिस इज ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर along with random motion due to thermal energy. ठीक है. सो अब हमें ये फाइंड आउट करना, अच्छा पहले ये लिख देते हैं. सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट एवरेज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी with which the electron gets drifted. Sir. हाँ. Sir, electric field यहाँ पे right side में है. Sir, और electrons drift कर रहा है sir along sir opposite to the direction of electric field. इसीलिए ने ड्रॉ किया लेफ्ट साइड में ये डॉट डॉट. ओके सर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. और ये ध्यान रखनी है आपको कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो ऑर्डर होती है ये बहुत छोटी है, मिलीमीटर्स पर सेकंड में आएगी आपकी ऑलमोस्ट. मतलब ये जो वीडी की वैल्यू है, इसको जो वीडी कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल of the order of 10 to the power minus 3 meter per second. मतलब बहुत ही छोटा है. मतलब thermal velocity से इसको compare करें तो कितना छोटा है आपको पता चल रहा है. thermal velocity था 10 to the power 2 का order का, तो अगर ratio लोगे तो 10 to the power 5 का आ जाएगा ना. Yes sir. है ना. तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि thermal velocity जो है वो बहुत ही छोटी है, you know, drift velocity जो है बहुत छोटी है thermal velocity से. ठीक है, ध्यान रखिएगा. बट करंट किसकी वजह से आ रहा है? ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है, थर्मल की वजह से नहीं आ रहा है. है ना? Yes, समझ आ रही है? अगर हम ऐसे सोचें कि जैसे मान लो कि अगर कोई स्विच ऑन करता है, ठीक है, कोई स्विच ऑन कर रहा है, फैन स्विच ऑन करे, तो फैन का स्विच जहां पे है, स्विच के पास वायर का एंड है और दूसरा एंड जो है वायर का वो फैन के साथ कनेक्टेड है. तो स्विच जब आप ऑन करते हो तो फैन तुरंत चलता है या थोड़ी देर बाद चलता है? थोड़ा देर बाद चलता है. तुम्हारा कौन सा दुनिया का फैन है? हाँ? अभी फैन को ऑन करके चलता, फैन को बंद करके फिर से एक बार ऑन करके देखो सर. मतलब थोड़ा, मतलब ठीक है, मुझे एक बार फोटो खींच के दिखाना तो तुम कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वाला कैसे देख रहे. ठीक है मतलब थोड़ा सर टाइम लैग. अच्छा, तुम वो टाइम लैग फील कर पाते हो? डू यू एक्चुअली फील दैट टाइम लैग? नो सर. तो फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के आंसर्स क्यों कहते हैं? सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे कोई अगर ये बोले कि जैसे मान लेते हैं कि यू नो कि स्विच का जो एंड है और जो फैन का एंड है उनके बीच में मान लो कि 4 meter का है, यू नो 2 meter मान लेते हैं, 2 meter का डिस्टेंस है और उसमें मान लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मतलब ये सोचें कि एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा. तो सोचो अगर 2 meter का वायर है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 to the power minus 3 meter per second का है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 divided by 10 to the power minus 3. Yes, sir. Right? Yes. इसका मतलब 2000 seconds almost लगेगा. इतना तो gap नहीं होता है ना, होता है क्या इतना gap? No sir. लगे इतना time होता है क्या? 2000 seconds लगता है क्या? No sir. नहीं, तो इतना time तो नहीं लगता. But current तो almost instantaneously आपको मिल जाता है, मतलब क्योंकि fan तुरंत ही चलता है. तो ये कैसे explain करते हैं? देखो, जब हम switch on करते हैं ना, तो उससे जो potential difference है wire में, पोटेंशियल डिफरेंस वायर में, वो इमीडिएटली सेटअप हो जाती है. इमीडिएटली वो स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप हो जाती है.
तो इमीडिएटली एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है. तो ऐसा नहीं है कि वायर का एक एंड का इलेक्ट्रॉन को ले जाके, मतलब स्विच वाले एंड से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपके फैन के एंड पे पहुंचेगा तब करंट आएगा, ऐसा नहीं है. हर एक क्रॉस सेक्शन में जो चार्जेस है वो उनको बस अपने पोजिशन से मूव करना है. तो जैसे ये वाला सोचो, ये वायर है, ऐसा थोड़ी है कि वायर जो है, ये वायर में देखो क्या मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ दिखाया है, या जो भी क्रॉस सेक्शन है सारे क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. तो हर एक क्रॉस सेक्शन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जगह पे मूव करना स्टार्ट करता है. तो फैन के एंड पे जो वायर का एंड है वहां का इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा है, स्विच का जो एंड है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एंड पे मूव कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि स्विच के एंड का इलेक्ट्रॉन जब तक फैन के पास नहीं पहुंचेगा तब तक करंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. समझ आ रही है आपको? यस सर. दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो कोई ये बोले कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी छोटी है तो हमें सिग्निफिकेंट करंट कैसे मिलती है, हाउ डू वी गेट अ सिग्निफिकेंट करंट, ये तो वैल्यू बहुत छोटी है. तो अब इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जैसे अगर मान लो कि हम कि जैसे अगर मान लो कि कोई आपको ये बोले कि पानी बूंद बूंद करके गिर रही है और बूंद बूंद करके पानी गिर के आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है, तो क्या आप जल्दी से पानी कलेक्ट कर सकते हैं बूंद बूंद करके? नहीं कर सकते. क्यों बूंद बूंद करके जल्दी से नहीं कलेक्ट कर सकते पानी? नो सर. अच्छा आपके घर में शावर है, मतलब नहाने के लिए शावर है? हाँ सर. शावर से पानी कैसा गिरता है? बूंद बूंद करके सर. बूंद बूंद ही गिरता है ना? हाँ सर. बस डिफरेंस ये है कि बहुत सारा बूंद एक साथ गिरता है, राइट? हाँ सर. तो मैंने ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया कि आप बहुत सारे बूंद नहीं ले सकते, मैंने बस इतना बोला बूंद बूंद करके कलेक्ट करना है. तो बूंद बूंद करके कलेक्ट करें और बहुत सारे बूंद हो तो फिर तो रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा ना. सेम चीज यहाँ पे भी है. हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, ट्रू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्टर ये बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई. और इसी वजह से अगर बहुत सारे चार्जेस बहुत स्लो भी मूव करते हैं तो फिर हमें करंट तो सिग्निफिकेंट मिल जाएगा ना. समझ आ रही है आपको? यस सर. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है फिर भी आपको करंट क्यों ज्यादा मिल रहा है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से आपको करंट ज्यादा मिल रही है. समझ आ रही है आपको? यस सर. यस सर. ठीक है. ओके, अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं. हाँ बोलिए. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बहुत हाई रख देते हैं तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को हाई रखिए तो फोर्स ज्यादा मिलेगा, फोर्स ज्यादा मिलेगा तो फिर उसके इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आएगी वो ज्यादा आएगी. सर फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो हम लोग खुद से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बड़ा कर ही सकते हैं. हाँ बट इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी बढ़ेगी ना, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, करेगा नहीं? हाँ सर. तो फिर ये तो नुकसान कराएगा. ठीक है, तो यस सर. और वैसे करेंगे तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, मतलब ये मतलब अनबाउंड करके बढ़ा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो लैटिस के अंदर, मतलब जो एटम के साथ बाउंडेड है, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को भी तो वो फ्री करा सकता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर देंगे तो. हाँ सर. है ना, तो उससे तो बेसिकली आपके मतलब मेटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है वही सारा गायब हो जाएगा. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, तो वैसा नहीं है कि आप कि कुछ भी इनफाइनाइट अमाउंट तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा एनीवेज, चलो मैं अभी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ. मैं मान लेता हूँ लेट्स से कि मीन फ्री टाइम जो है, मीन फ्री टाइम आपको टर्म याद है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, बीच के टाइम. हाँ, दो कोलिजन के बीच की टाइम. मीन फ्री, लेट मीन फ्री टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ड्रिफ्ट इज टाउ कह लेते हैं. ठीक है, टाउ इज द मीन फ्री टाइम. Time interval between two successive collisions.
मान लो कि अगर मैं ये बोलूं कि आपको कि यू नो जब वो किसी आईएथ कोलिशन में मान लो हो रहा है, ठीक है, लेट अस से कि वो आईएथ कोलिशन कर रहा है, तो जब तक वो किसी से कोलाइड नहीं किया तब तक तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन में मूव किया है या नहीं है? हाँ, किसी से टकराएगा तब वो उसका यू नो और भी फोर्सेस आ गए, बट जब तक किसी से नहीं टकराया है तब तक किसके फोर्स के एक्शन में मूव किया? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में? यस सर। सो इफ द टाइम इंटरवल ऑफ आईएथ कोलिजन मान लेते हैं, ठीक है, आईएथ कोलिजन इज टी आई मान लेते हैं, देन इन दिस इंटरवल अगर v की वैल्यू लिखी जाए तो v की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, दिस इज u प्लस एक्सेलरेशन विच इज माइनस ऑफ e इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू ti, ऐसा लिख सकते हैं क्या? v इक्वल टू u प्लस at? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ये इनिशियल वेलोसिटी जो होगा ये थर्मल वेलोसिटी होगा? हाँ। होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थर्मल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी बेसिकली वो जो गेन किया उसके बाद के भी लिख रहे हैं। तो अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स वर गेटिंग ड्रिफ्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यही था ना? यस सर। था, तो अब इसी का एवरेज लेना है, तो इसका एवरेज लोगे तो किसका एवरेज लेना आपको? इनिशियल का एवरेज प्लस माइनस ऑफ ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज ऑफ टाइम इंटरवल बिटवीन आईएथ कोलिजन, राइट, है ना? समझ आ रही है आपको? यस सर। यस। एन एवरेज ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन, इसी को हमने मीन फ्री टाइम बोला था। हाँ। और एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, ये जीरो है? जीरो। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है? देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है? माइनस ऑफ ई टाउ डिवाइडेड बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रही है क्या? यस सर। राइट, ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ, है ना? डायरेक्शन दोनों का उल्टा है, ये ऑब्वियस भी है, है ना? ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑपोजिट टू फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑपोजिट टू फील्ड, ठीक है? एंड अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली, दिस इज v की वैल्यू को e tau by m and into electric field लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना? मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तब तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, इस टर्म को जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको मोबिलिटी कहते हैं, तो इसी को अगर मैं ऐसे लिखू म्यू इंटू ई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को आपको म्यू इंटू ई ऐसे याद रखनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन इज म्यू इंटू ई, वेयर म्यू इज e tau divided by m, and that is mobility of free electrons. Mobility of free electrons. Okay, ये चेक करो, अगर मान लो कि मैं यू नो सपोजिटली अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, मान लेते हैं, ठीक है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो इससे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज करेगा? हाँ। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करती है तो मीन फ्री टाइम डिक्रीज करेगी? डिक्रीज। अगर मीन फ्री टाइम डिक्रीज किया तो मोबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी? डिक्रीज होगी। और मोबिलिटी डिक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, है या नहीं? तो अगर मैं कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका थर्मल वेलोसिटी तो बढ़ता है बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ आई? यस सर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज करती है बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है। यस सर। ठीक है, सो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड इसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ये डिक्रीज कर जाएगी, सॉरी इंक्रीज कर जाएगी,
इंक्रीज कर जाएगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करने से मीन फ्री टाइम डिक्रीज कर जाएगी. मीन फ्री टाइम डिक्रीज करने से मोबिलिटी डिक्रीज करेगी और मोबिलिटी डिक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, फ्लो चार्ट याद रहेगा आपको? यस याद रहेगा. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. चलो, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया. अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि करंट इन द कंडक्टर कितनी आएगी. ठीक है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट कैसे निकालेंगे. सो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हम मान लेते हैं यहाँ पे एक डेटा हम अज्यूम कर रहे हैं. लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर. पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन शॉर्ट वही लिखते हैं. ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलू तो यही समझना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. अब मान लो कि मुझे एक कंडक्टर दे रखा उन्होंने. लेट अस से ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू मुझे करंट फाइंड आउट करने की है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन को मार्क कर रहे हैं और इस क्रॉस सेक्शन के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको मैं मान सकता हूँ कि वो लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट की तरफ है. कह सकते हैं सर? यस सर. राइट, ये वीडी है. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका राइट की तरफ सेटअप है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, ये मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो का सिनेरियो दिखा रखा है मैंने. टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है एंड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डीटी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा. डीटी टाइम ले रहे हैं, बड़ा टाइम इंटरवल नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, छोटा सा टाइम इंटरवल. पहले ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा है और अगर टाइम इंटरवल आपने और भी छोटा लिया तो उससे जितना वो आगे मूव करेगा वो तो बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल होगा. यस. ओके, नहीं, अब ये नेग्लिजिबली स्मॉल क्यों लिया मैंने टाइम इंटरवल को, उसके पीछे एक रीजन बताता हूँ. क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का भी कंडक्टर होता तो ये डीटी टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस वो आगे जाता उससे क्या क्रॉस सेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता? नहीं. समझ आ रही है? तो क्रॉस सेक्शन में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं होगी. समझ आ रही है? तो हम ये मान सकते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पूरे टाइम इंटरवल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, तो डीटी टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ये आगे मूव कर गया होगा, अगर मैं ये मार्क करूं कितना डिस्टेंस ये आगे मूव कर गया, कितने डिस्टेंस आगे मूव कर गई होगी? पहुंचा दिया है, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन सोचो यहाँ पे पहुंच गए तो इजन इट ऑब्वियस कि इसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब भी लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुके हैं. है ये नहीं? Yes, sir. अगर राइट क्रॉस सेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन पे पहुंच चुका है तो पक्का है कि राइट क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो भी तो उसको क्रॉस करके गए होंगे. Yes, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. So, अगर मान लेते हैं कि डीएन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट क्रॉस्ड द क्रॉस सेक्शन शोन ऑन द लेफ्ट. लेट डीएन बी द नंबर of free electrons crossing the left cross section in time dt, then dn की value can be written as number density n थी and इसके साथ volume dv को multiply करेंगे तो cross section area मान लेते हैं a, तो इसको ले सकते हैं a into drift velocity into dt. ले सकते हैं सर? Yes sir. सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब अगर मुझे number of free electrons crossing मिल गया है, तो इसके साथ अगर मैं electron के charge को multiply कर दूं, तो charge flow मिल जाएगी? Yes, sir. So therefore net charge flow
dq उसको लिख रहे हैं, तो dq will be dn multiplied with electronic charge. अब अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो यार ये ne a into vd into dt आ रही है क्या? Yes, sir. तो आपको करंट चाहिए, तो क्या करंट मिल गया क्या? देखो तो dq yes, by dt. So current through cross section, through cross section, इसको I लिख रहे हैं and that will be dq by dt. And dq by dt लिखा तो ne, sorry, ne vd into a हो जाएगा. Got it? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आपको करंट की वैल्यू भी मिल गई है. Okay, एक और चीज नोटिस करो. Supposedly हम यहाँ पे इस drift velocity को अगर electric field के you know form में substitute कर दें, तो drift velocity की वैल्यू याद है आपको mu into e थी. Yes, sir. Yes, sir. उसको सब्स्टिट्यूट करें तो इसको लिख सकते हैं एन ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा म्यू इनटू ई. ठीक है, इसके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा. अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी लास्ट में अलग कर लेते हैं. इसको करंट पर यूनिट एरिया कर लेते हैं अभी. ठीक है ना, ऐसे देखो, ऐसे ठीक लिख सकते हैं. Yes, yes, sir. यहाँ पे आप ये चेक करो, RHS में एक वेक्टर आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड में कोई वेक्टर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. तो कोई भी रिलेशन अगर ऐसी आ रही है जिसमें आप एक वेक्टर के वैल्यू को किसी और से इक्वेट कर रहे हो, तो पक्का है कि वो दूसरा क्वांटिटी भी वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर होगा, राइट? यस सर. तो LHS वाले क्वांटिटी में कौन वेक्टर हो सकता है ना? तो मतलब एरिया देखो डिनोमिनेटर में, तो एरिया तो वेक्टर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर डिवीजन तो यू नो होता नहीं है. क्या वेक्टर डिवीजन कुछ होता है? नो सर. नो नहीं सर. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, बट वेक्टर डिवीजन तो नहीं होता. तो i into a होता तो बोल देते चलो ठीक है, यू नो कि एरिया का डायरेक्शन ले लेंगे, बट यहाँ पे तो एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं है. करंट भी तो स्केलर है, करंट का भी डायरेक्शन नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक नए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया और उसको उन्होंने बोला करंट डेंसिटी. एक नए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया और उसको उन्होंने बोला करंट डेंसिटी. एंड करंट डेंसिटी का मतलब क्या है? करंट पर यूनिट एरिया. कितना करंट मिल रहा है आपको उस करंट का क्रॉस सेक्शन के थ्रू आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो, उस क्रॉस सेक्शन के एरिया से अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट डेंसिटी इन दैट क्रॉस सेक्शन मिल जाएगी. अब इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा और करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसको सेम रखना पड़ेगा मुझे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ था और उसी डायरेक्शन में हम करंट डेंसिटी को भी दिखाएंगे. समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? यस सर. ठीक है, सो देयरफॉर अब हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, देयरफॉर करंट डेंसिटी इसको जे वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, करंट डेंसिटी दिस जे वेक्टर विल बी, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें तो इसको करंट पर यूनिट एरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड दैट विल बी ओवर हियर, दिस इज एन ई म्यू एंड इनटू ई हो जाएगा. ठीक है, अगर वेक्टोरियली इसको डिफाइन करनी है आपको, जे को वेक्टोरियली लिखनी है, तो आप इसको एन ई म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिख सकते हैं. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी. ये एन ई म्यू वाला जो टर्म है ये अगेन एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ये. यस सर. राइट, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी आई थी वो अगर याद हो आपको. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जे की वैल्यू को हम ऐसे लिख रहे हैं सिग्मा इनटू ई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर. ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट लिख लिया और ये मेंशन कर लेते हैं कि सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी. सिग्मा ओवर हियर इज कंडक्टिविटी, वेयर सिग्मा इज एन ई म्यू और म्यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो. म्यू की वैल्यू कितनी थी? ई टाउ बाय एम था ना. Yes. तो ये जगह n e square into tau divided by m and this is conductivity of conductor. ये temperature पे तो dependent होगा ही होगा, साथ में material पे भी obviously dependent होगा, क्योंकि कितना collision कर रहा है per unit time वो तो आपका you know density, मतलब जो lattice का structure है metal का, जो भी metal होगा उसमें कितने electron per unit volume available है उन सब पे depend करेगा. तो ये वाली क्वांटिटी आपकी, मतलब जो कंडक्टिविटी जिसको हम कह रहे हैं, ये आपकी मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, एज वेल एज टेम्परेचर डिपेंडेंट.
ठीक है सॉरी और जो चीज ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट जो है करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and hence along the length of conductor, along the length of conductor, along the length of conductor in the direction of flow of, in the direction of current, in the direction of current. समझ आई आपको? Yes, समझ आई है सबको? कई बार करंट को ना करंट को हम करंट डेंसिटी का फ्लक्स की तरह भी देखते हैं. जैसे अगर सोचो कि यू नो कि अगर इमेजिन करो ऐसा एक सिचुएशन दिखा रखा है, जैसे मान लो कि ये एक वायर है और इस वायर में मान लो मैंने दो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं. ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन, ये दो क्रॉस सेक्शन हमने दिखा रखे हैं. इन दोनों के बीच में मान लो कि एंगल थीटा भी शो कर रखा है, ये एंगल थीटा है. इसमें मान लो कि करंट की वैल्यू मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ मिल रही है. तो ये दो क्रॉस सेक्शन जो हम दिखा रहे हैं, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में देखो एक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है. समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? इन दोनों जो एक वर्टिकल सेक्शन दिखाया, एक स्लांट सेक्शन दिखाया, तो इन दोनों के बीच में एक मटेरियल है और वो मटेरियल तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है. मैंने आपको बताया कि चार्जेस फ्लो करने से न्यूट्रलिटी वायलेट नहीं होती है. तो मटेरियल को अगर आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है तो जितना चार्जेस आप स्लांट वाले क्रॉस सेक्शन से दिखाएंगे फ्लो करता हुआ, उतना ही आपको पर यूनिट टाइम आपको वर्टिकल सेक्शन से भी तो निकालना पड़ेगा. नहीं, इसका मतलब कि दोनों के थ्रू करंट आपको क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, राइट? यस. समझ आ रही है? तो इस केस में जैसे मान लेते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रखा है वो कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पक्का है करंट डेंसिटी भी इधर ही होगा. होगा नहीं होगा? यस सर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो करंट डेंसिटी भी इधर ही होगा. बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं. बट अगर मान लेते हैं कि इस स्लांट वाले सेक्शन का अगर एरिया को हम ए डैश मान लेते हैं, ठीक है, इस स्लांट वाले सेक्शन का एरिया ए डैश है और ये करंट डेंसिटी के साथ एंगल थीटा बना रहा है, देखो, ठीक है, क्योंकि थीटा से इंक्लाइन किया था. तो ए डैश और जे के बीच में जो एंगल है वो कितने का है? थीटा, दिख रही है? तो जे और ए डैश का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे, जे और ए डैश का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे तो क्या मुझे इसके साथ, देखो ये जो ए है मतलब जो वर्टिकल सेक्शन है उसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करने पर सेम आएगा? नहीं. Yes, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप J वेक्टर डॉट A डैश वेक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? J इंटू A डैश इंटू कॉस थीटा और J इंटू A डैश कॉस थीटा, ये तो J इंटू A हो गया. हुए नहीं हुआ? क्योंकि A डैश जो इंक्लाइन वाला सेक्शन है उसका प्रोजेक्शन तो वर्टिकल वाला है. तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, दिस इज J डॉट A, लिख सकते हैं? Yes, sir. इसका मतलब स्लांट क्रॉस सेक्शन के थ्रू का करंट और वर्टिकल सेक्शन के थ्रू का करंट ये सेम है. ये मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं और पहले तो मैंने आपको एनालिटिकली समझाया क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है. समझ आ रही है आपको? यस सर. तो इसीलिए जब हम करंट यू नो डेंसिटी से अगर करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं और क्रॉस सेक्शन आपका यू नो ऐसा चूज किया आपने कि इंक्लाइंड है बेसिकली यू नो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है, तो उस केस में आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करके निकालना पड़ता है. गेटिंग इट? ठीक yes, है. अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी सिचुएशन तो हो सकता है कि जो स्लांट सेक्शन बनाया मैंने उसमें करंट डेंसिटी वेरिएबल कर दो. ये भी तो कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी वेरिएबल बना दे कि हर जगह एक जैसा नहीं है करंट डेंसिटी. तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करके नेट करंट निकालना पड़ेगा. मतलब आप एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लोगे डीए, उसमें करंट डेंसिटी अगर जे दे रखी है मैंने तो जे डॉट डीए करेंगे, उससे डीआई मिलेगा एंड फिर आप टोटल इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपको टोटल करंट मिल जाएगा. So, ये चीज का ध्यान रखेंगे इफ करंट डेंसिटी इज वेरिएबल इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन.
if current density is a variable in a given cross section, then अगर आपको i चाहिए तो आपको i निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट डी ए करना पड़ेगा, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे यूज करना होता है, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है? बट ये वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, अगर वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली यू नो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, yes, एक्सप्रेशन जो है वो सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है? जितने भी बता रहा हूँ, जैसे म्यू याद रखना है, यू नो फिर सिग्मा याद रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, भूलेंगे नहीं आप इन चीजों को। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया वो ये डिराइव किया कि जे का वैल्यू जो हमने निकाला, जे वॉज कमिंग आउट टू बी सिग्मा इंटू ई, ये निकाला है ना हमने, निकाला है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखे, तो जैसे अगर मान लो कि एक कंडक्टर हम दिखा रहे थे ऐसे, एंड मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें, तो इसमें मान लो कि करंट हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मिल रही है, ठीक है? तो ऑब्वियस है कि एक एंड पे आपका हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, होगा ना, राइट? तो यहाँ पे अगर हम सपोजली यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं वी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल के लिए मैं वी प्लस डी वी लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ये जो मार्क कर रहा हूँ ये पोटेंशियल लिख रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं, ठीक है? वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, दिस इज पोटेंशियल, एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और इसकी लेंथ का जो डिफरेंस है ये मान लेते हैं ये डीएल है, मतलब जो सेपरेशन बिटवीन द टू सेक्शंस यूज किया उसको डीएल लिख रखा है। तो क्या हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम कह सकते हैं कि डीवी बाई डीएल होगा? कह सकते हैं? यस सर। तो इसी को अगर आप ऐसे लिखो, करंट को हम, करंट डेंसिटी को हम कैसे लिख रहे थे? डी आई बाई डी ए लिख रहे थे क्या? यस राइट। And that will be equal to, इसको लिखें तो sigma into, इसको dv by dl, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. ये जो इक्वेशन हमने लिख रखा है इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं, इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहा जाता है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अभी ये अगर मान लो कि वायर जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, सपोजली वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और करंट डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है, इफ वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड करंट डेंसिटी इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, करंट डेंसिटी इज ऑल्सो uniform in a given cross section then ab hum likh sakte hain isko I by A is equal to sigma into V by L, aisa likh sakte hain kya? Yes sir. ab hum seedhe se baat kar rahe hain ki agar ye ek wire hai, lamba sa wire aap consider kar rahe hain, ab hum chote wire ki nahi baat kar rahe hain, ye maan lo ek lamba sa wire hai aur is lambe se wire ke ek end pe, ये एक एंड पे हमने V प्लस एंड दूसरे एंड पे मान लो V माइनस दिखा रखा है, तो जो V है बेसिकली दैट V इज V प्लस माइनस ऑफ V माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ आ रही है आपको? ठीक है। इसका लेंथ हमने इस कंडक्टर का L मान रखा है, इसकी क्रॉस सेक्शन तो ठीक है A आपने चूज कर रखी है और करंट हमने यहाँ पे I दिखा रखा है, ये सिचुएशन है, ठीक है? तभी इस तरह के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू को अब हम V लिखें तो V पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे? पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो v की वैल्यू को अगर लिखी जाए तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, v is equal to I into 1 by sigma into L by A, ऐसा लिखा जा सकता है? Yes. ठीक है, 1 by sigma बेसिकली इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी हो गया, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी बोला जाएगा, तो इसी को लिखेंगे तो I into rho L by A हो जाएगा। अब यहाँ पे here जो हमने चूज किया ये रो दैट इज 1 बाय सिग्मा एंड इसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टिविटी मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट था, वैसे ही रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, मटेरियल एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट आएगा, है ना?
तो वो लिख नहीं रहा हूँ, कंडक्टिविटी के लिए लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सेम यू नो यहाँ पे भी आ जाएगा. तो रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है. एंड देयरफॉर अब अगर वी की वैल्यू को लिखी जाए तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर लिख सकते हैं. ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आ गया ना. यस राइट, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसी को यूज करते हैं. ठीक है, हियर आर जो है, आर इज रो एल बाई ए एंड दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर. ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है V equal to IR फॉलो करना, उसको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं. और ऐसे कंडक्टर्स जो उनको फॉलो ओबे नहीं करते उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं. कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक and the ones which do not obey Ohm's law, ones which do not obey Ohm's law are non-ohmic. ठीक है, Ohm's law follow करने का मतलब है V और I के बीच में एक linear relation exist करना चाहिए. अगर यहाँ पे अगर कोई V दिखा रहा है और यहाँ पे आई दिखा रहा है तो एक ग्राफ आपके क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. समझ आ रही है आपको? यस. ये एंगल अगर थीटा दिखाएं तो टैन थीटा कितनी लिखेंगे आप? वी बाय आई लिखेंगे ना? वी बाय आई. राइट, और ये क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है. सर राइट, मतलब स्लोप आप फाइंड आउट कर लोगे वी और आई का तो उससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी. दिस इज ओमिक. ठीक है, अगर नॉन ओमिक होगा तो ये लीनियर रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के सबसे यू नो कॉमन एग्जांपल है नॉन ओमिक के लिए. उसमें लीनियर वेरिएशन नहीं आती है. उसमें बेसिकली जो रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस होती है वो आपकी यू नो पोटेंशियल डिफरेंस आप उसके अक्रॉस कितना अप्लाई करते हैं उस पे भी डिपेंडेंट आता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने एक्सिस इंटरचेंज किया, देखो आई एंड वी ड्रॉ किया है, तो अगर मैं वी की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो उससे आई की वैल्यू इनिशियली उस रेट से इंक्रीज नहीं करती है लो वैल्यूज ऑफ वोल्टेज पे. बट जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट ये काफी बढ़ जाता है. तो इस केस में आप इसकी जब ग्राफ देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ दिखता है ऐसा. ठीक है, दिस इज नॉन ओमिक. मतलब ये सेमीकंडक्टर इसका एग्जांपल है. ठीक है, सेमीकंडक्टर इसमें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर डिफाइन करना हो नॉन ओमिक के लिए तो वी बाई आई करके नहीं डिफाइन करते हैं. उसमें क्या करते हैं कि जैसे V पोटेंशियल डिफरेंस है आप dV का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हो और फिर I से dI का करंट मेजर करते हो. I से I प्लस dI जो करंट मेजर चेंज किए है उसको मेजर करते हो और उसके बाद आप dV बाई dI जब कैलकुलेट करते हो तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है. दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस. जैसे यहाँ पे सपोजली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ से यहाँ पे एक वोल्टेज लिया और यहाँ पे करंट लिया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया वोल्टेज का एंड करंट का चेंज को मेजर किया, तो यहाँ पे ये जो चेंज आपको मिल रहा है करंट का दैट चेंज इज डी आई एंड यहाँ पे जो वोल्टेज की चेंज मिल रही है दैट इज डी वी. तो अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितनी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालनी है, अगर जैसे इसको मान लेते हैं लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, तो रेजिस्टेंस एट पी अगर पूछे तो इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं. डायनेमिक डायनेमिक रेजिस्टेंस एट पी पूछ रहे हैं एट पी, तो इसको आर सबस्क्रिप्ट पी लिख रहे हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज डीवी डिवाइडेड बाय डीआई. अब डीवी बाय डीआई अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप का इनवर्स है. अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा आप कितनी लिखते हैं, डीआई बाय डीवी लिखते हैं नहीं लिखते, डीवाई बाय डीएक्स. यस सर. तो क्या इसको इनवर्स ऑफ टेन थीटा कह सकते हैं?
कहते हैं राइट। तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो स्टीपनेस इंक्रीज कर रहा है, स्टीपनेस इंक्रीज करने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, दिख रही है आपको, दिख रही है आपको? रेजिस्टेंस घट रही है जैसे जैसे स्टीपनेस आपकी इंक्रीज कर रही है, मतलब हायर वोल्टेज पे आपको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। ये कंडक्टर के साथ कभी नहीं होगा, ओमिक कंडक्टर के साथ कभी भी नहीं होगा, उसमें वोल्टेज बढ़ाओ या घटाओ रेजिस्टेंस आपकी फिक्स रहती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट खुद ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। ठीक है, एक और चीज का याद रखना, जैसे इंफॉर्मेशन की तरह ध्यान रखो कि अगर कभी भी वो ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई एक मटेरियल बोलते हैं कि उस मटेरियल का टेम्प यू नो रेजिस्टेंस नेगेटिव है, रेजिस्टेंस ही नेगेटिव कह रहे हैं, रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो और करंट घटता है, वोल्टेज बढ़ाने से अगर करंट घटे तो उसमें हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये चीज जैसे आप एक इन्फॉर्मेशन की तरह ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा हमारा डिस्कशन नहीं करना है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये थियोरेटिकली याद रखेंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ाने से अगर करंट घटती है किसी रीजन में तो उसमें हम कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है मटेरियल की वो नेगेटिव आएगी। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। इसका एक एग्जांपल भी याद रखिएगा, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड इसका एक एग्जांपल है, वो मटेरियल जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। इफ अ मटेरियल exists such that increase in potential difference causes decrease in current in a region, then the resistance is said to be negative. Resistance is said to be नेगेटिव। अब उसका रीजन क्या है? रीजन वही डायनामिक रेजिस्टेंस वाली बात, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो डीवी पॉजिटिव होगा, होगा ना? Yes, sir. और करंट घटा तो डीआई नेगेटिव होगा। Yes, sir. तो डीवी बाई डीआई नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप अगर देखोगे, इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ये करंट एंड यहाँ पे वोल्टेज, इसकी ग्राफ कुछ ऐसी आती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सही है, इसको हमें कुछ ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना नहीं, बस इंपॉर्टेंट बात यही है कि किस रीजन में वो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है ये ध्यान रखनी है आपको। तो जिस रीजन में उसकी स्लोप नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा रीजन देखो, जो मैंने दो लाइन ड्रॉ किए हैं, डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किए हैं, इस पूरे रीजन में उसकी रेजिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा रीजन, दिस एंटायर रीजन इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। एंड ये एग्जांपल किसका है, दिस इज फॉर गैलियम आर्सेनाइड, ये सेमीकंडक्टर ही है। ठीक है, ये जस्ट एक कॉम्पोजिशन है बेसिकली। ठीक है, याद रहना ये। यस सर। अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। Variation in resistance with temperature. देखो, हमने रो आर की वैल्यू निकाला था, रो एल बाई ए, रो को लिखा था 1/σ एंड फिर एल बाई ए, सिग्मा था एन ई म्यू, तो इसको लिखा एन ई म्यू, एन म्यू को लिखा था ई टाउ बाई एम, तो इसके लिखा एन ई स्क्वायर इनटू टाउ डिवाइडेड बाई एम इनटू एल बाई ए, ये होगा ना? Yes, फ्लो समझ आ रही है आपको? Yes, ठीक है, सो देयरफॉर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर बात करें इंक्रीज इन टेम्परेचर, इससे क्या कंक्लूजन निकला था हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगी, मीन फ्री टाइम डिक्रीज करेगी, राइट? मीन फ्री टाइम डिक्रीज करने से मोबिलिटी डिक्रीज करेगी,
मोबिलिटी डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। समझ आई? राइट, ये है आपका ओमी कंडक्टर्स के लिए। ओमी कंडक्टर्स मतलब जो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। बट क्यों हो रहा है ये, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो फिक्स्ड है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं करता टेम्परेचर चेंज करने से। कंडक्टर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ओमी कंडक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। बट नॉन ओमी कंडक्टर्स के लिए अगर आप बात करोगे, जैसे सेमी कंडक्टर हुए, तो सेमी कंडक्टर में पहली चीज है दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल होता है। अब ये चीजें डिटेल में डिस्कशन सेमी कंडक्टर में करेंगे, बट एक छोटी सी बात बता रहा हूँ वो जिस ध्यान रखिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है ना कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉन्ड ब्रेक करके वो बेसिकली बाहर फ्री हो जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक करके अगर वो बाहर फ्री हो गया तो ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपको मिले, मिले या नहीं? Yes, sir. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो चार्ज कैरियर का जो कंसेंट्रेशन है वही इंक्रीज कर जाएगा, समझ आ रही है? और वो वाला जो फैक्ट है, वो फैक्ट जो है काफी डोमिनेंट होगा इस केस में। तुम सोच के देखो, अगर मैं यू नो करंट की बात करता हूँ, तो करंट कैसे डिफाइन करते थे आप? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन करते थे। तो मीन फ्री टाइम घटने से, मीन फ्री टाइम घटने से आपका जो यू नो जो आगे ड्रिफ्ट करने का एबिलिटी था वो घट गया, है ना? मीन फ्री टाइम घटने से आगे ड्रिफ्ट करने का जो एबिलिटी था वो घटा। बट अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मैंने उससे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो आपका जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज मिला वो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया आपको? हाँ। समझ आ रही है? Yes, तो सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली यही होता है। सेमीकंडक्टर्स में हम कहते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टेंस घटती है। ओमिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, बट सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही आपका इंक्रीज कर जाता है, मतलब चार्ज कैरियर सीरीज में बोलो कि चार्ज कैरियर्स है वही आपके इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज। बोलोगे कंडक्टर में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंडक्टर में जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑलरेडी डोनेटेड है ना, लैटिस में फ्री है मूव करने के लिए। बाकी जो है क्या वो उनको इजिली छोड़ सकता है? वो तो ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है ना, है ना? वो तो ऑक्टेट कंप्लीट क्यों बोले, वो तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट का जरूरत ही क्या है उसको? वो तो अपना अंदर में बैठा हुआ है, वो तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। एंड टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या आप निकाल सकते हैं? नो सर, नहीं निकाल सकते। बट वही अगर आप सेमीकंडक्टर्स के लिए जाओगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में लैटिस फॉर्म करने के लिए, वो तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इवन दो ऑक्टेट कंप्लीट है बट वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या फिर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? वैलेंस शेल। तो इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाने से जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है सेमीकंडक्टर वाला, वो वाला बाहर निकल सकता है, बट अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो बाउंडेड है एक एटम के साथ, वो नहीं बाहर निकल सकता। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। यस ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। सो फॉर सेमीकंडक्टर्स ये जो फ्लो चार्ट मैंने बताया, दिस इज फॉर ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है? ओमिक कंडक्टर्स मतलब मेटल्स, ठीक है ना? फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू नो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड हेंस देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा था, ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ।
सेमीकंडक्टर। ठीक है, ध्यान रहना आपको। अब एग्जैक्ट रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे तीन कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे ये अगर रेजिस्टिविटी को शो करें अगेंस्ट टेम्परेचर, सॉरी एक मिनट जस्ट, तो ये रेजिस्टिविटी की जो वेरिएशन होती है ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होती है, एक्सपोनेंशियल ये होती है कंडक्टर के लिए, इंक्रीज करती है, दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ये है ओमिक के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर ओमिक। कुछ अलॉयज होते हैं, अलॉयज की बात करें सच एज निक्रोम, उनके लिए टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है ऑलमोस्ट लीनियर है, ये ऑलमोस्ट लीनियर है, ये लीनियर इंक्रीज है। बट अगर नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर के लिए बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. This is semiconductors. ठीक है, अब आपके लिए जो यू नो जो सिचुएशन है वो ध्यान रखनी है। जैसे एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे e to the power x का जो एक्सपेंशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x का होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x का होता है अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इफ x is very less compared to 1, मतलब magnitude of x की बात कर रहे हैं, अगर x का magnitude 1 से बहुत छोटा है तब आप ये लिख सकते हैं। तो exponential increase temperature के साथ है, but जिस temperature के पास आप हो उसमें, जैसे अगर मान लो कि 100 degree में है, supposedly 100 degree you know कोई temperature है और उसमें मान लो कि 1-2 degree का change हो, 1-2 degree का change हो, तो उस 1-2 degree के change में e to the power x को almost 1 plus x लिखा जा सकता है। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. मतलब यहाँ पे बेसिकली कैसा रिलेशन है, वो ऐसा कुछ होगा कि e to the power alpha into t minus of t naught, ऐसा कुछ वेरिएशन होगा, t naught is the initial temperature and t is the final temperature, तो इसकी वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेट करके ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। बट ये कंडीशन कब लिखेंगे, इफ अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट इज वेरी लेस कंपेयर टू 1, कह सकते हैं या नहीं कह सकते सर? समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? Yes, yes, sir. You get this? Yes, sir. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो अल्फा है, इस अल्फा को ही हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब ये चीज जैसे मैंने बताया आपको कि अगर यू नॉट की टी अगर टी नॉट के काफी क्लोज होगा, टी अगर टी नॉट के काफी क्लोज होगा तो ऑब्वियस है ना अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा? Yes, sir. समझ आ रही है? अल्फा की वैल्यू वैसे ही बहुत छोटी है, अल्फा की वैल्यू ऐसी नहीं बहुत बड़ी है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, और टी की वैल्यू अगर टी नॉट के काफी क्लोज हुआ तो वैसे भी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग काफी छोटी हो जाएगी, और ये यहाँ पे तब लीनियर वेरिएशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रीजन कंसिडर करूँ, एक छोटा सा रीजन कंसिडर करें, तो सोचो ये छोटे से रीजन में आपको ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. जैसे ये टेम्परेचर टी है और ये टेम्परेचर टी प्लस टी नॉट है, या ऐसे लिख लेते, नहीं ऐसे लिख लेते, इनिशियल टी नॉट कर लेते हैं बाद में टी लिख लेते हैं, तो टेम्परेचर का वेरिएशन टी और टी नॉट का जो है वो बहुत ही छोटा टेम्परेचर वेरिएशन है, और टेम्परेचर वेरिएशन बहुत छोटा होगा तो ये सेक्शन में जो आपको दिखेगा, ये सेक्शन में जो ग्राफ दिखेगा ये ऑलमोस्ट लीनियर अपीयर होगा। समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम लिखते हैं, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू लिखते हैं आर और यू नो आर, मतलब इफ इफ मान लेते हैं अगर आर नॉट हम ले रहे हैं, आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट या अच्छा रो नॉट कर लेते हैं, एक ही बात होगा, रो नॉट विल, इफ रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट टी नॉट एंड रो इज रेजिस्टिविटी एट टी, देन रो की वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रो नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा इंटू टी माइनस ऑफ टी नॉट, ठीक है, दिस इज फॉर ओमिक कंडक्टर्स, मतलब मेटल होना चाहिए, ठीक है। अब इसी की वैल्यू को अगर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं है, इफ द टेम्परेचर टी इज क्लोज टू टी नॉट, क्लोज टू टी नॉट, then rho की वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं rho नॉट into 1 plus alpha into t minus t naught, समझ आ रही है आपको? Yes sir, ठीक है, चीज का ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर क्लोज टू t naught होगा तब आप ये रिलेशन को लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे जब हम रेजिस्टिविटी के साथ ये अल्फा यूज करेंगे ना तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे अब उसकी बात करते हैं। जैसे देखो कि अगर मैं आर की वैल्यू को लिखूं तो आर की वैल्यू को हम लिख रहे हैं रो एल बाई ए लिख रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ और एरिया ये भी चेंज होता है ना, होता ही नहीं होता? यस सर। तो उस केस में बट एक चीज तो पक्का है, जो चेंजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, होते नहीं होते चेंजेस, क्या बड़े चेंजेस होते हैं छोटे चेंजेस होते हैं? छोटे चेंजेस ही होते हैं, ये तो पक्का है कि छोटे चेंजेस ही होते हैं, तो छोटे चेंजेस के लिए हम लोग हमेशा एरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या नहीं? फॉर स्मॉल वेरिएशंस इन टेम्परेचर, वेरिएशंस इन टेम्परेचर अगर ये लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल आर बाई आर विल बी डेल रो बाई रो प्लस डेल एल बाई एल माइनस ऑफ डेल ए बाई ए, माइनस लिखना है प्लस लिखना है? माइनस प्लस, क्योंकि हम एरर नहीं निकाल रहे, नहीं प्लस नहीं यूज करना है, माइनस यूज करना है क्योंकि एरर नहीं निकाल रहे हैं, हम चेंजेस कंसिडर कर रहे हैं ना, कि जैसे अगर मैं बोलूं एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? तो घटेगा, घटेगा तो वो प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा? माइनस करके, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो यहाँ पे चेंजेस आप फाइंड कर रहे हैं इसलिए आपको प्लस माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा, एरर नहीं निकाल रहे, ठीक है, एरर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बट एरर नहीं निकाल रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट? यस, है ना। अब ये देखो डेल रो बाई रो को हम लोग अल्फा रो ले लेते हैं, अल्फा रो मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये डेल एल बाई एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यस सर, डेल्टा थीटा भी आएगा, ये डेल्टा टी भी आएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू डेल्टा टी आएगा एंड यहाँ पे बीटा इंटू डेल्टा टी आएगा, आएगा? यस सर, बट बीटा तो खुद ही टू अल्फा होता है ना? हाँ सर। तो क्या इसको ऐसा लिखा, दिस इज अल्फा रो माइनस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। Yes. और डेल आर बाई आर को ही हम लोग लिख लें अल्फा आर इंटू डेल्टा टी, तो अल्फा आर इंटू डेल्टा टी लिख लिया, डेल्टा टी कट गया, देखो सो देखो अल्फा आर की वैल्यू क्या गई है, अल्फा रो माइनस ऑफ अल्फा, दिख रही है? Yes, sir. ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बताओ मुझे कि
अल्फा रो और अल्फा आर इक्वल कब होगा? जब अल्फा जीरो, राइट? मतलब कि अगर मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं दिया है, तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं देने का मतलब क्या है? उसको आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो उस केस में अल्फा आर और अल्फा रो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ आ रही है? Yes, sir. तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप और आपको रेजिस्टेंस का चेंज निकालना है बट टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया है, तो दोनों सेम ही हुआ ना? हुआ या नहीं? समझ आ रही है आपको? सो देयरफॉर वी टेक अल्फा आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा रो इफ अल्फा इज नॉट गिवन। ठीक है, याद रहना है आपको? याद रहना है सभी को? यस सर। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है, चलो एप्लीकेशन देखो, ये मान लो पोटेंशियल है एंड यहाँ पे करंट है, ये मान लो किसी एक ओमिक कंडक्टर के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम प्लॉट कर रहे हैं, एक T1 टेम्परेचर और एक T2 टेम्परेचर है, ठीक है? दिस इज ग्राफ इज फॉर सेम कंडक्टर, ग्राफ इज फॉर सेम ओमिक कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ओमिक कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, कौन सा बड़ा बता सकते हैं? सर प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। सर T1 इज ग्रेटर देन T2, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है ये बस पूछा गया है। हाँ, T1 जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई करिए। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ओमिक कंडक्टर्स के लिए, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे मतलब एक पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो मतलब T1 और T2 के लाइन को टच करेगा तो वोल्टेज जो है वो T1 के लिए ज्यादा आ रहा है और T2 के लिए कम आ रहा है, एंड V equals to IR होता है, तो वोल्टेज जिसका ज्यादा उसका R ज्यादा। सर हम डायरेक्टली स्लोप से, स्लोप से डायरेक्टली नहीं कर सकते थे इतना बोल रही हो? स्लोप से डायरेक्टली नहीं कर सकते थे? हाँ सर। T1 टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, क्या हम tan theta 1 लिख सकते हैं? और T2 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा ये R2, tan theta 2 नहीं लिख सकते? तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि R1 is greater than R2? नहीं पता चल रहा? Yes, sir. और R1 greater than R2 इसका मतलब T1 greater than T2 है, that's it, हो गया। ठीक है? Yes, sir. Okay. Okay. Changes in the resistance due to stretching of wires. Wires को stretch करेंगे तो resistance में क्या changes मिलेंगे उसकी questions की बात करते हैं। देखो इस तरह के questions में हम ये मान के चलेंगे कि जब भी हम stretch कर रहे हैं तो हम stretch करते वक्त volume को change नहीं कर रहे हैं, ये assume करके चलते हैं, ठीक है? ये हमें दिया होता है। Even तो आपको ये पता है कि stretch करने से bulk strain भी तो आता है ना? आता ही नहीं आता? Yes, sir. Right? वो तो आता ही है, बट इस तरह की क्वेश्चंस में हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग में भी अज्यूम वॉल्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। तो इससे अगर मैं मान लू तो स्ट्रेच कर रहा हूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा? यस सर। तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लिखा जा सकता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो रो एल बाई ए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रो एल बाई ए, क्या हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है? बोल सकते हैं क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तभी बोलेंगे जब एरिया फिक्स्ड है या नहीं है? बट यहाँ पे तो हम एरिया को फिक्स नहीं रख रहे हैं क्योंकि अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ लंबा कर रहे हैं, तो एरिया तो छोटा होगा। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. So, इसको यूज करोगे तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ या प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है?
सो इस चीज का ध्यान रखेंगे. इन स्ट्रेचिंग केस एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर होती है. समझ आ रही है? तो yes, अब अगर मान लो कि उसने बोला है कि स्ट्रेच करके हमने 2% का लेंथ इंक्रीमेंट कर दिया, तो रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आएगा? कितने का चेंज आएगा? 4%. क्योंकि एल का पावर 2 है. सो फॉर स्मॉल चेंजेस, बड़े चेंजेस के लिए तो आप रेशियो ले लेना. जैसे बोल दिया लेंथ डबल कर दिया है, तो लेंथ डबल करने का मतलब कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? 4 गुना. है या नहीं है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना. सो फॉर स्मॉल चेंजेस, del r by r will approximately be equal to 2 times of del l by l. ठीक है? Yes sir. ध्यान रहे नहीं आपको? Yes sir. Yes sir. ठीक. अच्छा एक छोटी सा क्वेश्चन देखो. मान लो कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल दे रहा है. ठीक है, ऐसा एक वायर है एंड लेफ्ट की तरफ एक क्रॉस सेक्शन मार्क किया है A1, राइट की तरफ एक क्रॉस सेक्शन मार्क किया है A2. लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन में हमने करंट दिखा रखा है I1, राइट वाले क्रॉस सेक्शन में करंट दिखा रखा है I2. ठीक है, लेफ्ट वाले क्रॉस सेक्शन में अच्छे से मार्क कर लेते हैं. लेट द करंट डेंसिटी अच्छा ऐसे लिख, बस इसे मेंशन करते रहो. एक मिनट, ज्यादा लिखना पड़ेगा. कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, मीन फ्री टाइम एंड और कुछ तो नहीं बच रहा है. कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट द टू क्रॉस सेक्शंस. दोनों क्रॉस सेक्शन पे इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है. बताओ कौन सा आप कंपेयर करके बता सकते हैं? करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये करंट पर यूनिट एरिया होती है, तो इसका मतलब है फॉर सेम करंट J की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आएगी. ये है ना? यस सर. इसका मतलब एरिया A1 छोटा है तो वहां का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा. सो देयरफॉर J1 ग्रेटर देन J2. ठीक है, हो गया. सर E2 कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी सेम होगा. E2 ग्रेटर देन सॉरी E1 ग्रेटर देन E2. E1 ग्रेटर देन E2 क्यों बोला सर? क्योंकि J इक्वल्स टू सिग्मा E लिखते हैं ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ E से. तो सिग्मा के बारे में, सिग्मा के बारे में आपने क्या बोला? सो सिग्मा क्या, सिग्मा को कांस्टेंट माना आपने? होगा और रो भी कांस्टेंट होगा. सिग्मा को कांस्टेंट क्यों माना? मटेरियल और टेंपरेचर डिपेंडेंट है. गुड, सिग्मा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये मटेरियल एंड टेंपरेचर डिपेंडेंट है ना? और लेफ्ट से लेके राइट तक तो हमने मटेरियल और टेंपरेचर चेंज नहीं किया. मटेरियल एंड टेंपरेचर डिपेंडेंट और कौन-कौन है? सिग्मा है, रो है, रो भी है, मीन फ्री टाइम है ना? फिर मोबिलिटी, यस सर, यस सर, राइट. ये सारा टेंपरेचर, मटेरियल टेंपरेचर डिपेंडेंट है. तो इसका मतलब सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, रो 1 इक्वल टू रो 2, टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 एंड म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, ऐसा लिखा जा सकता है ना? यस सर, यस सर. ठीक है, अभी हम J equal to sigma E use करें. अब हम कह सकते हैं कि जहां पे J ज्यादा होगा वहां पे E भी ज्यादा होगा. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि E1 is greater than E2. समझ आ रही है? हाँ सर. ये ऐसे भी तो कह सकते थे, जैसे फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस? यस सर. देखो तो फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ रही है क्या? हाँ सर. दिख रही है आपको? हाँ सर. फील्ड लाइंस की स्पेसिंग बढ़ गई मतलब वैसे भी फील्ड घट गया. ठीक है, वही चीज वो कह रहा है. ठीक है, चलो फील का भी पता चल गया. और कुछ बच रहा है क्या? सर
drift velocity. One more than two. Q. Vd mu e. J equals to any Vd. Yeah, okay. उससे भी कर सकते हैं और V की value mu e से भी कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ. है ना? So यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से since mu की value आपकी constant है, तो V की value directly proportional to e आ रही है. तो जहाँ पे drift ज़्यादा होगी, वहाँ पे drift velocity ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब V1, Vd in first cross section will be greater than Vd in second cross section. ठीक है, समझ आ गई कंपैरिजन? यस सर. चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. EMF of a cell या battery. आप सर्किट में देखोगे तो उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे एक वैल्यू मार्क्ड होगी, ऐसे E की तरह लिखा होगा. कई बार कैपिटल E लिखते हैं, कई बार एप्सिलॉन लिखते हैं, बट EMF ही मीन करेंगे वहां पे. और कॉमा करके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मार्क होती है. ये जो E की तरह लिखा है ये EMF है, और स्मॉल r जो लिख रखा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कहते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. इंटरनल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी तो एक कंडक्टर ही है, तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब चार्जेस फ्लो करती है तो वहां से जो रेजिस्टेंस उसको ऑफर्ड होती है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है. इसमें जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, आपको याद है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मैंने आपको बताया था, याद है? बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, याद है? Yes. Yes, sir. तो क्या ये मैंने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाया क्या करंट का? देखो तो इसको कह रहे दिस इज कन्वेंशनल फ्लो. ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो कहते हैं इसको. कई बार डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी भी बोलते हैं. ठीक है, ये वाला केस अगर कह रहे हैं तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कह रहे हैं. डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हो रही है. अगर उल्टा फ्लो करता है तो उसको चार्जिंग ऑफ बैटरी कहते हैं. इसको हम फिजिकली कैसे विजुलाइज करते हैं, मतलब इसको आप ऐसे ट्रीट करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है उसकी बात करते हैं. व्हाट यू ट्रीट दिस इज एज, आप इसको एक बैटरी दिखाओ आइडियल बैटरी की तरह, एंड इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो. बस इतना ही आपको एनालाइज करनी है. इसकी EMF है, ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं और यहां से करंट आपकी आई फ्लो कर रही है. ये टर्मिनल मान लेते हैं ए है और ये टर्मिनल मान लेते हैं बी है. अगर टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ आप चल के जाओगे, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ चल के जाओगे, तो आपको आपको यू नो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आएगा. अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करूं वी ए, अब आप राइट की तरफ मूव करो, आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हो बैटरी में, दिख रही है? Yes, sir. तो हायर से लोअर मूव करने पे प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस. सो माइनस ई, एंड उसके बाद फिर आप रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव करना है. रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है. ये आपको पहले ही अभी समझाया था, इतने सारे डायग्राम दिखाए थे सबने ही, तो आपको समझाया. समझाया था ना सारी चीजें? ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, बट आप यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या ऑपोजिट टू करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हो? ऑपोजिट. तो इसका मतलब इसमें अगर दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे आप, रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल के अक्रॉस मतलब करंट के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो आप मूव कर रहे हो अगेंस्ट द करंट, सो यू विल गेट अ राइज ऑफ पोटेंशियल. तो राइज ऑफ पोटेंशियल कितने मिलेगा? आई इनटू आर का. तो अब ये क्या मिल गया आपको? पोटेंशियल ऑफ बी मिल गया ना? मिल गया? यस यस सर. अब अगर मुझे पूछे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितनी है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, सो इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं. टर्मिनल वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, इसको VT से इंडिकेट करें. ठीक है, VT
एंड दैट वी टी विल बी इक्वल टू कैपिटल वी ए, ठीक है, वोल्टेज के लिए वी टी विल बी वी ए माइनस ऑफ वी बी, एंड वी ए माइनस वी बी क्या, तो क्या मिल जाएगा, ई माइनस आएगा, दिख रही आपको, तो टर्मिनल वोल्टेज का वेरिएशन अगेंस्ट करंट दिख रही आपको, ई माइनस आई आर, कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है ना, है ना, दिस इज लीनियर रिलेशन विद करंट, लीनियर रिलेशन विद करंट। अगर कोई ये बोले कि टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम आएगा तो सही कह रहा है गलत कह रहा है, गलत सर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, अब सही कह रहा है, हाँ सर, गलत, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि ये डिस्चार्जिंग का केस है, अगर चार्जिंग का केस होता तो, हाँ सर, अगर चार्जिंग का केस होता तो आप जब ये इक्वेशन लिख रहे थे तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर करना पड़ता, समझ आ रही है, ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस अ रेजिस्टेंस करंट सॉरी वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वोल्टेज ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फॉर रेजिस्टेंसेस, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं, फॉर रेजिस्टेंसेस ओनली, सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे, जब भी आप ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं, तो एनीवेज चलो भी अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अगर इस ग्राफ को अगर प्लॉट किया जाए तो स्लोप नेगेटिव होगा और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं, yes, होगा? ये चेक करो, देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये ईएमएफ ई का है और यहाँ पे जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जब जीरो होगा तो जो करंट चाहिए वो ईएमएफ बाय आर का चाहिए, है ना, ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, यस सर, समझ आ रही है सबको, यस सर, ये एंगल को अगर थीटा मार्क करें तो टैन थीटा यहाँ पे आर है क्या, यस सर, है या नहीं है, यस सर, स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन, राइट, समझ आ रही है, यस सर, यस सर, इससे ही ईएमएफ का भी एक डेफिनेशन मिल जाएगा, अगर मान लो कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस मतलब कोई करंट नहीं मिल रही है, बैटरी में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस है भी, तो क्या रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, नहीं सर, और अगर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो टर्मिनल वोल्टेज ही उसका ईएमएफ हो गया, हो गया ना, तो ईएमएफ कैन बी सीन एज दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी when there is no current through the battery, समझ आ रही है? अगर current through the battery आपको zero मिलती है, तब जो potential difference आप उसके terminals के across measure करते हो, उसी को हम उसका EMF कहते हैं, ठीक है? So therefore, EMF can be seen as the terminal voltage across the terminals, terminal voltage of the battery, लिख लेंगे, terminal voltage of the battery when no current passes through it, when no current passes through it, that's it, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से इक्वल भी हो सकता है, ईएमएफ से लेसर भी हो सकता है, ईएमएफ से ग्रेटर भी हो सकता है ना, यस सर, टर्मिनल वोल्टेज की बात करें सो दिस इज लेसर देन ईएमएफ व्हेन चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग, ठीक है, इस केस में हम जो टर्मिनल वोल्टेज लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, ई माइनस आई आर लिख रहे थे ना, यस सर, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ हो सकता है दो केस में, एक या तो करंट ही जीरो है या फिर आपका बैटरी आइडियल है, अगर बैटरी आइडियल होगी कहीं पे भी अगर आइडियल बैटरी मेंशन कर रखा है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे,
समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ इफ करंट इज जीरो और रेजिस्टेंस इज जीरो, और ये आइडियल बैटरी में होगा। ठीक है, अगर बैटरी आइडियल मेंशन कर रखा है तो ये चीज का ध्यान रखना, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मानेंगे। एंड ग्रेटर देन ईएमएफ होगा, ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन डिस्चार्ज, सॉरी व्हेन चार्जिंग। और चार्जिंग का मतलब क्या है? मतलब बेसिकली आपको ऑपोजिट टू कन्वेंशनल फ्लो आपको डायरेक्शन दिखाना है। ये करंट आई होगा, तो इस केस में आपके टर्मिनल वोल्टेज लिखोगे तो ई प्लस आई आर लिखोगे। Got it? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे करते हैं। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। आप मार्केट में जब रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे, जैसे कोई भी मार्केट में अगर रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे, तो वो बेसिकली एक पतला सा वायर देते हैं और उसके ऊपर एक सिलिका का कोटिंग होता है, उसमें छोटे छोटे रिंग्स बना के रखते हैं। वो रिंग्स का वैल्यू देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी। ठीक है, उसको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, देखो हमें क्या करना है, जैसे आप देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो दो एग्जांपल राइट साइड में ही दिखा रखा हमने, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं वहीं से दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे देखोगे अगर, तो चार बैंड आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको कलर बैंड दिख रहे हैं चार? हाँ सर। जो फर्स्ट दो बैंड होते हैं, फर्स्ट टू बैंड्स होते हैं, उनको बेसिकली हम यू नो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करेंगे। जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे ना, तो ऐसे कुछ लिखेंगे। रेजिस्टेंस जब फाइंड करोगे तो फर्स्ट टू बैंड्स में आप उसको ऐसे लिखना, ए बी, ए बी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब एक साथ लिखना है। ठीक है, ए बी या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी एंड प्लस माइनस ऑफ डी, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ए बी में मल्टीप्लाई की तरह नहीं देखना है इसको। अच्छा, इसको एक मिनट रुको, इसको चेंज करता हूँ, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। रुको एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। टेन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, अभी ठीक है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट बैंड। ये जो ए लिख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट बैंड। ये जो बी लिख रहे हैं, ये हमारा सेकंड बैंड है। सी लिख रहे हैं, ये हमारा थर्ड बैंड है। एंड डी लिख रहे हैं, ये हमारा फोर्थ बैंड है। फोर्थ बैंड बेसिकली टॉलरेंस है। टॉलरेंस कहने का मतलब क्या है कि कितने का परसेंटेज चेंज आप अपने या परसेंटेज एरर आपकी रेजिस्टेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस इज बेसिकली, यहाँ जो टॉलरेंस लिखा हुआ है, ये टॉलरेंस का मतलब परसेंटेज एरर एक्सपेक्टेड इन रेजिस्टेंस, मतलब कितने का रेजिस्टेंस आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। अब एक बार देखते हैं, देखो कलर जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, देखो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सब लिखा हुआ है, और सारे कलर को उसने एक एक करके नंबर्स असाइन किया है, 0, 1, 2, 3, 4 एकदम सिक्वेंसली असाइन किया है। और मल्टीप्लायर जो है वो 10 का पावर नंबर हो जाएगा। जैसे 0 है अगर नंबर, तो 10 का पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। अगर नंबर 1 है तो 10 का पावर 1, अगर नंबर 2 है तो 10 का पावर 2। ये बेसिकली मल्टीप्लायर इज ऑब्टेंड बाय 10 का पावर में। समझ आ रही है? यस सर। समझ आ रही है?
तो इस केस में अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है जैसे अगर फर्स्ट वाले के लिए रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए चेक करो, तो ए वाले का लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है, इस ये वाला ए फर्स्ट फर्स्ट जो दिख रहा है, तो फर्स्ट बैंड रेड है, रेड का देखो क्या कलर है, टू है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, तो टू, तो इसको ये ऐसे लिखोगे 10 इंटू टू एन प्लस टू, समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं, प्लस टू क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड बैंड भी आपका कितना है, रेडी है ना, यस सर, सेकंड बैंड रेड है, थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर वाला है, ठीक है, ये मल्टीप्लायर वाली है, मल्टीप्लायर बैंड है, तो मल्टीप्लायर बैंड के लिए फिर वापस से क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, इनटू 10 का पावर 2 राइट, एंड फोर्थ बैंड अगर देखोगे तो सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस देखो कितना है, 10% दैट्स इट, सो ये वाली वैल्यू अगर लिखोगे कितने लिखोगे, 22 इनटू 10 टू द पावर 2 एंड प्लस माइनस ऑफ 10% ओम्स में, वो क्या आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट बैंड इज येलो, येलो का दिख रहा है 4, दिख रहा है आपको येलो का 4, दिख रही है, यस सर, यस सर, सेकंड बैंड इज वायलेट, सो 7, सो 47 लिख सकते हैं इसको, यस सर, 10 इनटू 4 लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली 47 लिखो, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है सर, 47 इनटू अभी 10 का पावर कितना लेना है, चेक करो, ब्राउन है बैंड, ब्राउन बैंड के लिए कितना है, नंबर 1 है, नंबर 1 मतलब 10 टू द पावर 1, तो इनटू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस, फोर्थ बैंड कितना है, गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना है, 5% 5% तो 5% दैट्स इट, ये ओम्स में आ जाएगा, समझ आ रही है आपको, यस सर, यस सर, ठीक है, अब ये जो कलर के अकॉर्डिंग जो नंबर्स असाइंड है, इसके लिए न्यूमेरिक आपको याद रखना, याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा, आई होप आप सबको याद भी होगा, पता है किसी को, हां सर, वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वही है, विजिटेड ग्रेट वाला, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही न्यूमेरिक सभी याद कर रहे हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैड a very good wife. अब ये देखो, मैंने जो अल्फाबेट्स को कैपिटल में लिखा है ना, देखो उसके लिए कलर असाइन करना है, जो छोटे में लिखा है उनको कलर असाइन नहीं करना है, छोटे में वाले को नहीं, देखो पहला, देखो क्या पहला कैपिटल लेटर कौन है, बी, बी से ब्लैक, फिर दूसरा भी बी है, बी से ब्राउन, फिर तीसरा आर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रेट का जी, ऑफ मैंने कुछ भी नहीं काउंट किया, देख रहे हैं आपको, ऑफ में कुछ नहीं काउंट करना है, समझ आ रही है आपको, ऑफ में कुछ नहीं काउंट करना है, ग्रेट का जी, फिर ब्रिटेन का बी, फिर हैड अ कुछ काउंट नहीं होगा, वेरी का वी, गुड का जी एंड वाइफ का डब्ल्यू, समझ आ रही है, तो इससे व्हाइट तक का आपको याद हो जाएगा, व्हाइट तक का याद हो जाएगा, फिर आपको गोल्ड सिल्वर और नो कलर वो आपको अच्छा अलग से याद रखना है, ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो वी नेक्स्ट मूव टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, When we say combination of resistances, तो हम क्या मीन करते हैं, जैसे एक कॉम्बिनेशन लिया आपने और उसको हटा दिया और एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल दिया, तो इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि जैसे अगर मान लो कि आपको एक यू नो सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के कॉम्बिनेशन को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो और उसके बाद देखते हो कि बैटरी के थ्रू एक सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, तो बैटरी के थ्रू अगर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर गया है तो कितना करंट मिल रहा है ये आप मेजर करो, करंट का अगर मेजरमेंट कर लिया आपने तो जितना करंट इस बैटरी के थ्रू आपने इस नेटवर्क के वजह से फ्लो करवाया है, अगर इतना ही करंट अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से चाहिए तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसी को हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे,
ये सिमिलर है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैपेसिटेंस निकालते थे, वहां पे बस हम ये बोलते थे कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो की, रेट ऑफ चार्ज फ्लो से नहीं बात करते थे, बट यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से बात करेंगे। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, एंड इसको हमने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया है, अच्छा आप लोग एक बात बताओ मुझे कि हम मेरी वॉइस क्वालिटी या वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? मतलब जैसे हुआ है। हम लोग जो नॉर्मली क्लास लेते हैं, लास्ट क्लास से बस कंपेयर मत करिएगा, नॉर्मली जितना जैसे लेते हैं उसके कंपैरिजन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? यस सर, सेम ही है, तो बस पिछले क्लास में प्रॉब्लम हो रहा था, सेम ही लग रहा था। तो फिर ज्यादा पैसे खर्च करके कुछ फायदा नहीं हुआ। देखते हैं उनको फिर बोलना पड़ेगा क्योंकि स्पीड का कुछ इश्यू होगा, मे भी बोलना पड़ेगा। चलो एनीवेज ठीक है, अभी देखो तो मैंने कहा क्या क्या कहा कि एक यू नो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई है, इस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से मान लेते हैं ये बैटरी है, इसकी ईएमएफ वी मार्क कर रहे हैं, आइडियल बैटरी है, दिस इज आइडियल बैटरी, इसके थ्रू करंट आपने आई फ्लो करा ली, मैं यही सेम आइडियल बैटरी यहाँ पे ले रहा हूँ और उसके थ्रू भी मुझे सेम करंट चाहिए, तो ये करंट जो देगा जो सिंगल रेजिस्टेंस वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, सेम लॉजिक से यूज करेंगे। अब इस पे सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाते, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करते थे, याद है कैपेसिटर में समझाया था आपको कैसे आइडेंटिफाई करते थे? सर एक ही ब्रांच चार्ज सेम रहेगा, चार सेम no bifurcation in between, bifurcation नहीं होनी चाहिए, bifurcation नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल ब्रांच होनी चाहिए, मतलब बीच में कहीं bifurcation नहीं मिलना चाहिए आपको, तभी आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, आइडेंटिफाई करने का तरीका चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला चेंज होगा बट तरीका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंसेस है, there R1, R2 and Rn, n number of resistance निकाल दिया है। अब मुझे पूछा equivalent resistance कितना है? तो मैंने अपनी तरफ से एक battery लगा लिया है। Battery लगाने से क्या resistance change हो जाएगा circuit का? नहीं sir। नहीं, ठीक है। Battery लगाने से current change होगी, resistance पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब एक current flow करना start कर गया है। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक potential difference है V1 का, फिर यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है V2 का, यहाँ पे सिमिलरली एक पोटेंशियल डिफरेंस है VN का। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि V की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज V1 प्लस V2 प्लस करके ऐड कर लिया VN तक, और V सबके लिए करंट तो कॉमन है, सीरीज में करंट क्या होगा कॉमन होगा, जैसे वहां कैपेसिटर में बोलते थे चार्ज सबके लिए कॉमन होगा, यहाँ पे करंट बोलेंगे सबके लिए कॉमन होगा, तो इसको क्या ले सकते थे हम I into R1 प्लस R2 प्लस करके सबको ऐड कर लिया RN, एंड ये भी की वैल्यू को अगर सिंगल रेजिस्टेंस से निकालते हैं इसको R I into R equivalent कह लेते हैं, ये आई कैंसिल आउट हो गई एंड R equivalent की वैल्यू आपको मिल गई है, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस RN, got it? ठीक है ना? यस यस सर। ओके यस सर, सपोजली एक छोटी सी चीज देखो, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये मान लो R1 है और ये R2 है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और यहाँ पे मान लो करंट I फ्लो कर रही है एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है। अगर V1 निकाले तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये करंट मिल गया एंड करंट से फिर रेजिस्टेंस R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, सही कर रहा हूं मैं? ठीक है? हाँ सर। ओके, इसको अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं दिस इज VAB
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू बाई आर वन, ऐसा लिख सकते हैं? तो अब सोचो सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर मैं बोलूं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिसाइड करेंगे या रेजिस्टेंस का रेशियो डिसाइड करेगा? रेशियो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस बट रादर द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। जैसे R1 को भी डबल कर दिया और R2 को भी डबल कर दिया, R1 को ट्रिपल कर दिया, R2 को भी ट्रिपल कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले जितना मिलेगा और बाद में जो मिलेगा वो क्या रहेगा? सेम ही मिलेगा। समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, करंट चेंज होगा, डेफिनेटली करंट चेंज होगा। जैसे आप रेजिस्टेंस अगर दोनों को डबल कर देंगे तो करंट डेफिनेटली आपका घट जाएगा, घटेगा ना करंट? यस सर। बट पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वो आपका चेंज नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना आपको। सो देयरफॉर potential difference isn't decided by resistances but rather ratio of resistances but rather ratio of resistances ratio of resistances। ठीक है, चलो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मान लो टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये सारे रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर एन ले लिया। ठीक है, यस। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन लैग कर रही है। हमें क्या करना है अभी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी फिर से निकालनी है, तो सेम कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम अपनी तरफ से एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे और ये बैटरी मान लेते हैं कि ये ना ईएमएफ वी का है और यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रही है। ये करंट जब ब्रांचेस में जाएंगे तो आपके डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे सारे में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि सारे का रेजिस्टेंस सेम नहीं है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने के लिए बड़े रेजिस्टेंस में आपको कम करंट भेजना है नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे आई वन आई टू ऐसे आई एन तक दिखाए तो सबका करंट आप अलग अलग दिखा रहे हो। ठीक है, तो इस केस में एक चीज तो पक्का लिख सकते हो कि आई की वैल्यू को आप आई वन प्लस आई टू प्लस आई एन लिख सकते हैं ना, ये कैच ऑफ करंट लो, मतलब बेसिकली चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। Yes, right? Yes. This is KCL, Kirchhoff's current law, ठीक है? Based on charge conservation. मतलब कोई junction पे कोई net charge accumulate नहीं हुआ, charge conservation. किये तो पूर्चे खूब बाजे गंदे में रचे। ए किये तो पूर्चे आगे देख कोता कुछ। रखे आपको कितनी बार मैंने बोला है कि क्लास में माइक्रोफोन ऑफ करके रखे हुए रहो। सर ये मेरा नहीं था। नहीं था? नहीं सर।
अभी आई की वैल्यू को अगर हम लिखें तो आई की वैल्यू को वी बाई आर करके लिख सकते हैं, तो आई की वैल्यू को लिखें तो वी बाई आर इक्विवेलेंट देखो लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और आई वन को लिखे तो वी बाई आर वन, फिर आई टू को लिखे तो वी बाई आर टू, एंड आई एन को लिखे तो वी बाई आर एन लिख सकते हैं। वी सबका कैंसल आउट हो गया एंड आपको मिल गई 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू एंड प्लस 1 बाई आर एन हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला अगर देखोगे तो उल्टा हो गया, कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला सीरीज का था वो पैरेलल में हो गया है और जो पैरेलल में था वो सीरीज में हो गया। ठीक है, एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको, एक और चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, इन पैरेलल सिंस सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम ये लिख सकते हैं आई वन आर वन आई टू आर टू, ये सभी के लिए सबके लिए सेम आएगा, सबके लिए किसी के लिए भी कैलकुलेट करोगे ये सेम आएगा, आई एन आर एन ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं yes. तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखे जा सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं ना, जिसमें बड़ा रेजिस्टेंस उसका करंट कम, राइट right? yes, तो अगर लिखा जाए आई वन इज टू आई टू इज टू आई एन निकाले तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई आर वन इज टू 1 बाई आर टू इज टू 1 बाई आर एन लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर मान लो दो ही ब्रांच का डिवीजन करना है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में आपको दो ब्रांच का डिवीजन करना होता है, तो दो ब्रांच के लिए डिवीजन अगर आपको करंट की करनी है तो एक लाइन में झटपट कर सकते हैं। देखो दो ही ब्रांच दिखा रहे, मान लो यहां से करंट आई आई और यहां से करंट आई निकल गई है, अब ऊपर का एक ब्रांच है R1 का और एक नीचे का ब्रांच है R2 का, इन दोनों में करंट दिखाया हमने I1 एंड I2 दिखाई है। ठीक है, अब मुझे I1 और I2 की वैल्यूज दिखनी है, तो सिंस करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो हम I1 की वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये R2 के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो R2 by R1 plus R2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद I। अगर वही I2 चाहिए तो आप लिख सकते हैं R1 by R1 plus R2 दैट मल्टीप्लाइड विद I। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, यस सर, क्लियर हो रही है? यस सर। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर समझ आएगा, एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन करो एक सर्किट, क्योंकि इस तरीके से करोगे तभी ऐसे क्वेश्चन जल्दी आएंगे और नहीं तो फिर काफी लेंदी होता चला जाएगा। सर हाँ बोलिए। I1 equals to हाँ सर इन दिस केस इट्स I1 equals to R2 by R1 plus R2 into I and sir in the previous case voltage we found that and it's directly proportional like V1 equals to R1 sir but is there any way to remember this and in capacitance also we have such ratios. देखो जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वहां पे आप ट्रिक करके याद करेंगे, जहाँ सिंपल है वहां तो कुछ करने का जरूरत नहीं। जैसे सीरीज में वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इनटू कर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस किया तो करंट मिल गया एंड करंट से फिर रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इसमें तो इतना कुछ मेहनत नहीं है। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, तो जहां पे ज्यादा वो रेजिस्टेंस है वहां पे करंट कम आएगा, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप अगर ऊपर वाले ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो नीचे वाले रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये कांसेप्ट को यूज करके डिवाइड करो। अच्छा सर, हाँ लॉजिक तो सबका बता रहा हूँ, वो तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर। मान लो आपको पूछा है उन्होंने फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across 2 ohms, 2 ohms का resistance के across potential difference कितनी आएगी, ये find करनी है। अब कैसे find out करें? पहले ये देखते हैं कि क्या हम battery का current को तुरंत निकाल सकते हैं या नहीं, पहले ये सोचते हैं क्या हम ये find कर सकते हैं तुरंत, सोचो बिना ज्यादा calculation के, मतलब verbally हो जाएगा, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, verbally
सर रेजिस्टेंस को 4 और 2 को लेंगे तो 6 और 3 इन पैरेलल टू 2 हो गया गुड ये 4 एंड 2 ये 4 एंड 2 जो है ये सीरीज में है ये सबको दिख रहा है यस सर तो ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस है 6 ओम्स 4 इन सीरीज में 2 व्हिच इज 6 ओम्स फिर देखोगे अगर तो 6 और 3 पैरेलल में है दिख रहा है आपको 2 हां सर तो 6 * 3 / 6 + 3 2 होगा इसका मतलब है इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 6 इन पैरेलल विद 3 व्हिच इज 2 ओम्स वापस से 2 इन पैरेलल विद 4 2 इन सीरीज विद 4 हो गया देख रहे हो आपको यस 2 इन सीरीज विद 4 6 हो गया हां सर 6 इन पैरेलल विद 3 2 हो गया 2 इन सीरीज विद 4 6 हो गया 6 यस सर देख रहे हैं तो ये वर्बली हुआ ना आपको तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर निकालते तो कितना आ जाता हमारे पास 6 ओम और अब हम यहां पे करंट क्या हम निकाल सकते हैं ये करंट 3/36/6 तो करंट की वैल्यू हो गई 36/6 व्हिच इज 6 एम्पीयर राइट ठीक है ना यस सर अब यहां से जो करंट जा रही देखो ये करंट आई आपने निकाल ली है ये 6 एम्पीयर है ये करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है देख रहे आपको Yes, sir. Yes, sir. क्या 4 और 3 पैरेलल में नहीं सीरीज में नहीं है क्या 4 का दूसरा टर्मिनल क्या 3 के दूसरे टर्मिनल के साथ मिला हुआ है क्या नहीं तो कैसे पैरेलल हुआ हाँ ये कह सकते हैं कि मतलब 3 को छोड़ के जो बाकी पूरा ब्रांच है पूरा ब्रांच मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं देखो ये वाला जो पूरा ब्रांच है ये वाला ब्रांच तो पैरेलल में है ना उसके साथ यस सर और ये वाले ब्रांच का भी तो रेजिस्टेंस 6 ओम्स ही है नहीं है है ना तो अब हमें करंट कैसे डिवाइड करना था इनवर्स रेशियो यस 4 ओम्स के थ्रू जो करंट जाएगा उसका करंट कितना लिखेंगे हम 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 समझ आ रही है 3 प्लस 6 लिया 3 प्लस 4 नहीं समझ आ रही है आपको यस सर 3 * 6 इज 18 18 / 9 इज 2 तो ये 2 एंपियर आ गया समझ आई यस सर अब यही करंट फिर से देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है दिख रही है यस सर अब ये फिर से 4 ओम्स के थ्रू जो करंट जाएगा क्या 4 के प्रोपोर्शनल या 3 के प्रोपोर्शनल 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 3 प्लस 6 अगेन 4 प्लस 2 इज 6 राइट एंड दैट मल्टीप्लाइड विद कितना लिखेंगे 2 यस राइट तो कितना आ गया ये देखो 2/3 एंपियर आ रहा है यस सर तो आपको करंट मिल गया और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम्स के क्रॉस जो आएगा इसको V2 कह लेते हैं तो देयरफॉर V2 की वैल्यू क्या आपको पता चल गई कितनी है 2/3 करंट है एंड इनटू 2 कितना आ गया 4/3 ये हो गया आंसर समझ आई यस सर ठीक है तो ये पैरेलल में डिवीजन का जो करंट है वो तरीका आपको याद रखना पड़ेगा नहीं तो आप ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस को भी छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि आप कोई बाकी कोई भी मेथड से करोगे बहुत लंबा होगा कोई भी मेथड कर लो सब बहुत लंबा होगा ठीक है यस सर ठीक है